Good morning, everyone. It's 5 a.m. and I welcome each one of you in today's 5 a.m. masterclass on cash flow mastery. Today is the special day. You know why? Today is the special day because today is the first day of rest of our life. Yes, आज हम अपने लिए जो क्रिएट करेंगे, आज पहला दिन जो अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए काम आने वाला है। तो जो पास्ट है उसके लिए बाय बाय। लेट्स टुडे एट 5 एएम विद फ्रेश माइंड, विद फ्रेश एनर्जी, लेट्स क्रिएट समथिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल, लाइफ लॉन्ग, लाइफ लास्टिंग। क्योंकि मैं आज ऐसा ही वो टूल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ओके, लॉट्स ऑफ पीपल हैव ज्वाइंड अस एंड मोर आर ज्वाइनिंग। हमारा जो थीम है जिसके अराउंड हम कैश फ्लो मास्टरी की क्लास करते हैं, दैट इज हाउ टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। मैं आपसे बात करता हूं एक मिलेनियर और बिलेनियर डिजाइन की, जो अचीव करता है कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम विदाउट वेस्टिंग टाइम इन ट्रायल्स एंड एनी टेक्निकल डिपेंडेंसी। तो आज के की टेक अवे क्या है? द की टेक अवे फॉर टुडेज सेशन आर, नंबर वन, 6 जार टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यस माई डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 जार टेक्नोलॉजी इन अ वे कि प्रैक्टिकली, रियली, एक्चुअली दैट इज इंप्लीमेंटेड। एक होता है उसके बारे में पता होना, एक होता है उसका रियली रियली आपकी लाइफ के अंदर चलना, वर्किंग। लाइक सुबह मॉर्निंग वॉक करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? एवरीबॉडी नोज दैट, but whether that is being actually implemented in our life or not। तो वो ऐसे कौन से gaps हैं, ऐसे कौन से aspect हैं जो हमें रोक रहे हैं जार टेक्नोलॉजी के लिए? आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जार टेक्नोलॉजी है क्या। जिनको पता है वो कहते हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा एकदम प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करो। और जिनको पता है वो चाहते हैं कि जगमोहन इसको ना इंप्लीमेंट कर दो मेरी लाइफ के अंदर। सो ऑल दिस स्पेसेस, वेयर एवर यू आर हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं इन योर लाइफ। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट टेक अवे दैट यू आर गोइंग टू गेट इन टुडेज मास्टर क्लास। And I will talk about the framework to flood your business and life with consistent cash flow. Yes, financial freedom. Look at this screen. Look at this screen and read the various parameters. Yeah. Yes. Have a look on the screen. Now, what is opening up for you looking at the screen? जब मैं बात करता हूं financial freedom की, तो अभी आपके mind में कौन सा sub point चल रहा है? Sorry, are you thinking about saving money, passive income, eliminated debt, manage money, प्लान, रिड्यूस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो इंक्रीज करनी है, लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, गोल्स हैं अराउंड द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल कंट्रोल? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम, जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एट 5 in the morning, दिस इज अ लाइव सेशन एंड यू ऑल आर देयर विद मी। Everybody. So welcome everyone. Yes. What is the word
which is going in your mind when I say financial freedom? So you can reply in the chat box. Someone is saying passive income and reduce expenses. Someone is saying not to think before spending. Absolutely, Sunilji. Not to think before spending. Debt-free, passive income. Rituji is saying investment. Ashish is saying no financial worry for the rest of life. Got it. Yes. So my dear friend, around all these points, जो आप सोच रहे हो ना इस लाइव सेशन के अंदर. अच्छा, इस लाइव सेशन की खासियत क्या है? लेट मी टेल यू. अभी ना यू आर दी वंडरफुल पार्टिसिपेंट जो मेरे साथ लाइव है 5 AM. सर्दियों का मौसम है, ठंडा ठंडा, और आप सभी अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके प्रेजेंट हैं आज के लाइव सेशन 5 AM. हो सकता है इस समय बहुत से लोग आर स्लीपिंग and they are into their dream world, and that is fine, that is good, that is okay. अच्छा, आपने ना उस comfort zone को break करके एक बार ये सोचा कि हमें finance की 5 AM workshop यानी कि 5 to 6:30 के अंदर जाना है और participate करना है. Some of you are regularly, very regularly coming. और अभी आपका ना एक और इम्तिहान होने वाला है. अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी आगे बढ़ता चला जाएगा और ये ठंड का मौसम और बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमारा 5 AM रहने वाला है. तो आर यू रेडी फॉर दैट अनकंफर्टेबल? तो एक टाइम ऐसा आने वाला है कि अनकंफर्टेबल बिकम द कंफर्टेबल फॉर यू. लाइक अनकंफर्टेबल बिकम द कंफर्टेबल फॉर यू इन अ मैनर कि जब हमने कोई एक्शंस लेने हैं ना, तो उसके अंदर जैसे ही हम किसी कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं तो न्यू आइडियाज, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू व्यू टुवर्ड्स लाइफ बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. और आज आपने डिसाइड किया टू कंटिन्यू विद 5 AM वर्कशॉप. तो आप नंबर वन आप क्या कर सकते हैं, एनी थिंग कमिंग इन योर माइंड यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन रिजोल्व एनी एंड एवरी ऑफ द पॉइंट कमिंग इन योर माइंड. ये आज के 5 AM सेशन का आपके लिए स्पेसिफिक बेनिफिट रहने वाला है. और मैं ब्रिक बाय ब्रिक इस फाइनेंशियल फ्रीडम का, इस पैसिव इनकम का, इन एस्पेक्ट का आपकी लाइफ के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है स्पेसिफिकली आज 5 AM में वन थिंग बात करेंगे, जार टेक्नोलॉजी. सो वेलकम वंस अगेन, वेलकम एवरीवन टू योर ओन सेशन ऑफ 5 AM मास्टर क्लास. फाइनेंशियल फ्रीडम सुनील जी बहुत अमेजिंग तरीके से आपने डिफाइन किया, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट. फाइनेंशियल फ्रीडम व्हेन यू नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट मनी. फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स अ कंप्लीट फ्रीडम. तो ऐसा कौन सा जादू का, जीनी का चिराग जगमोहन आप देने वाले हो आज, जिससे कि मेरी सारी की सारी विश पूरी होने वाली है? देखो, आप कंफर्ट जोन से बाहर आके 5 AM मास्टर क्लास के अंदर हैं और इस नई टेक्नोलॉजी को फ्रेश माइंड के साथ में इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो वो जादू का चिराग आपके अंदर ही है. ये धुआं निकल रहा है ना, जो डिवाइन सोल जो आने वाली है वो ऑलरेडी आपके अंदर है, जो आपको बनाने वाली है कैश रिच. कैश रिच, दिस इज अराउंड व्हाट, क्योंकि ये जो जार टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रक्चर जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, अल्टीमेटली ये रिजल्ट करता है आपकी कैश रिच लाइफ के अंदर. वो कैसे? ये ना एक मैनेजमेंट का सिस्टम है. मैं दोबारा से बोलता हूं, कुछ लोग 6000 के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, बता रहा हूं. कुछ लोग जानते हैं लेकिन उस परस्पेक्टिव से नहीं जानते जिस परस्पेक्टिव से मैं बताने वाला हूं. एंड जब somebody already know, लेकिन उनकी लाइफ में इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क ये है कि 6 jar मनी मैनेजमेंट सिस्टम इज एक्चुअली रियली प्रैक्टिकली इज इंप्लीमेंटेड इन योर लाइफ.
How many of you are a game for it? How many of you are game for it? How many of you are ready to listen from an absolutely new perspective? If you are a game, if you're game to it means like जैसे हम क्रिकेट का गेम खेलते हैं, कोई नया पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, let's game यार, let's play, let's start. So whosoever is a game for this system and really want to experience in his life this financial freedom, please type game in the chat box. Please type game in the chat box. We have lots of participants. So my request to participant is, आप ना लिख रहे हैं panelist के कॉलम में, आप panelist and attendees में लिखें. पवन जी, हितेश जी, सुशांत भाटी, आशीष जी. So everybody to write in the yes. In the panelists and attendees. So you are the game for today's session and I'm super excited, absolutely ready. बहुत passion के साथ में, मेहनत के साथ में मैंने इस presentation को specifically आपके लिए तैयार किया है, so that you are able to really, really, really and really implement in your life. Got it? Thank you for your participation. कैसे करना है? Do what you can with what you have and where you are. Roosevelt की ये जो statement है ना, बड़ी important है. Somebody is saying कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि कोई अलग management system होना चाहिए. Somebody is saying कि नहीं यार, अभी तो ना मतलब किसी तरीके से EMI पूरी हो रही है, EMI ही पूरी हो रही है, और मुझे अभी मतलब कैसे करूंगा मैं. सर यही तो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट. सॉरी, दिस इज द पॉइंट. डू व्हाट यू कैन, राइट ना, डू व्हाट यू कैन. दैट मीन टू से इसको ना स्टार्ट करना. मैंने आपको क्या बोला, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ. अगर आज पहला दिन है तो हम जिस भी स्टेज के ऊपर हैं, तो अब उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द सेइंग दैट डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर. सिंगल पेनी से लेके मिलियन बिलियन ऑफ रुपीस के अंदर ये वाला सिस्टम काम करता है. आप कह रहे जम्मू ज्यादा एक्साइट मत करो यार, आप सीधा टॉपिक के ऊपर आओ. व्हाट इज दैट सिक्स जार? हियर इज दो सिक्स जार माय डियर फ्रेंड. इसके अंदर ना पहले सिक्स जार को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सिक्स जार को, पहला जार है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, दूसरा है लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग, तीसरा एजुकेशन, चौथा नेसेसिटी, पांचवा प्ले, और छठवां गिव अकाउंट. जब मैं जार टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, दैट मीन टू से कि व्हाट एवर द फ्लो ऑफ मनी कमिंग इनटू योर पर्सनल लाइफ. तो सिक्स जार टेक्नोलॉजी किस परस्पेक्टिव में काम करेगा, वो आपकी पर्सनल नेटवर्थ के लिए काम कर रहा है. सो ऑल द इंडिविजुअल प्रेजेंट इन दिस प्रेजेंटेशन, आप प्रोवाइडर हैं, पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के अंदर, आप सैलरीड पर्सन हैं, लाइक यू आर समबडी जिनकी लाइफ के अंदर आपकी बिजनेस से इनफ्लो हो रहा है, सैलरी से इनफ्लो हो रहा है, वट एवर द मनी कमिंग इन टू योर लाइफ. तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो मनी आपके पास आ रही है ना, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपकी निजी जिंदगी के अंदर जो आप इनफ्लो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस पैसे को हमने 6000 के अंदर डिवाइड कर दिया. सो आर यू एबल टू रिलेट विद माय पॉइंट? आर यू एबल टू रिलेट? दैट मीन टू से दीस जार आर नॉट द जार ऑफ द कंपनी. कंपनी के जार के लिए हम करते हैं कैश रिजर्व सिस्टम, उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन करूंगा. ये वाला वो जीएसटी ऑनलाइन के ऊपर ऑलरेडी है भी. ये क्या है? ये आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ में खुशियां बनाने के लिए, आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने के लिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ एबल टू रिलेट कि जो ये हम जार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर, एज ए पार्टनर, एज ए प्रोप्राइटर और एज ए एम्प्लॉई, जो आपकी जिंदगी में पैसा आ रहा है उसकी कैश फ्लो की मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. इफ यू आर विद मी, इफ यू आर एबल टू रिलेट, देन प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज व्हाइल क्रिएटिंग दिस गेम. ओके, नाउ द फ्लो हैज कम. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर रिप्लाइंग. तो एक बात ना ये क्लियर हो गई
कि जो पैसा आपकी जिंदगी के अंदर आ रहा है कितना आ रहा है कुछ मैटर नहीं करता, कितना आ रहा है कुछ मैटर नहीं कर रहा, आ रहा है। देखो यूनिवर्स के लिए ना सब कुछ नंबर है, किसी के लिए 10 रुपए, किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए 10 करोड़, जो कुछ भी है फ्लो है, ये हर लेवल पे काम करता है। ये इतना सिंपल अमेजिंग मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसके थ्रू वट एवर द इनफ्लो ऑफ मनी, समबडी इज गेटिंग द मनी इन दियर लाइफ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और प्रॉफिट और रेंटल इनकम और इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम और अदरवाइज थ्रू दियर पैसिव और एनी ऑफ द इनकम दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे जार होते हैं ना, उन जार के अंदर हम परसेंटेज को डिवाइन करने वाले हैं, 10% 10% 10% पहले 3 अकाउंट के अंदर, नेसेसिटी अकाउंट के अंदर 55% है, प्ले अकाउंट में भी 10% है और गिव अकाउंट के अंदर भी 5% है। नाउ योर क्वेश्चन इज कि ये परसेंटेज क्या है और ये अकाउंट क्या है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करो। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, दिस इज योर की टू सक्सेस। ये ना आपका गोल्डन गूज है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। सिद्धार्थ जी ने कहा LTSS, LTSS का मतलब है लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। बात करता हूं सिद्धार्थ जी में उसके बारे में, पहले बात करूंगा पहले जार की। पहले ना आप बेसिक कंसेप्ट उसके समझ लो, अगर आपको पता है तो रिवाइज कर लो। और मेरे जो मेंटोर हैं, जब से मुझे ये सिस्टम का पता लगा और मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया और अपने पीपल अराउंड की लाइफ के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया, मैजिकल रिजल्ट उसकी वजह से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमेशा पैसा ही पैसा रहता है, हमेशा रहता है और बींग लेवल के ऊपर वो पैसा काम कर रहा है। तो क्या है पहला? फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर जो भी आपके पास इनफ्लो है फॉर दैट मंथ और फॉर दैट वीक और फॉर दैट डे, जो भी आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना चाहें, तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर है, क्योंकि यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। तो इस जार में जो पैसा हम डालते हैं, ये 10% पैसा जो डालते हैं, वो इस्तेमाल होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस टू क्रिएट योर वेल्थ। तो दैट इज द अकाउंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द पैसिव इनकम स्ट्रीम फॉर योर लाइफ। द खासियत क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट की? यू नेवर स्पेंड द प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट। जो पैसा इसके अंदर आ गया, अब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अब वहां से हम आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन प्रिंसिपल को कभी स्पेंड नहीं करेंगे। तो एक समय ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, ये नेटवर्क के थ्रू जो आपकी इनकम है वो आपकी बिजनेस या एनी अदर इनकम से भी ज्यादा हो जाएगी। देखो, बहती नदी में से आपने एक जार, एक बाल्टी, एक ड्रम, एक ट्रक भर के पानी निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कहा कि ठीक है, बिजनेस चल रहे हैं, फ्लो चल रहा है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, तो बिजनेस तो कभी एक्सपेंड करते हैं, कभी श्रिंक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। तो चलते हुए बिजनेस के अंदर से जो आपने इनकम ली, उस इनकम में से भी आपने उसका जो पोर्शन फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, वही आपकी नेटवर्थ क्रिएट करने के लिए है। सोचो, सेविंग की जो हैबिट है आपकी मदर ने, नानी ने, दादी ने, फोर फादर ने, जो पैसे इन्वेस्ट कर लिए, कभी क्या किया उन्होंने, मंथली सेविंग स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, हर महीने पैसे कट रहे हैं, वो एक तरह का आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट की आगे इन्वेस्टमेंट थी। फिक्स डिपॉजिट करवाया, पीपीएफ अकाउंट करवाया, पहले किसान विकास पत्र बहुत आया करते थे उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और जो आप कमेटी में चिट फंड के अंदर पैसा सेपरेटली इकट्ठा करते करते निकाल रहे हो, वो टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ही तो निकाल रहे हो। दैट इज क्रिएटिंग मनी, दैट इज क्रिएटिंग मनी फॉर योर लाइफ इनटू द फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। अखिलेश जी ने कहा कि इसके अंदर एज फैक्टर का भी है? नहीं नहीं, एज फैक्टर नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ एक ऐसा सिंपल सिस्टम क्रिएट कर दिया, व्हाटएवर द अमाउंट इज कमिंग 10% आपने इसके अंदर कर दिया। क्योंकि अखिलेश जी, मैं आपको ये बताने वाला हूं, जितना भी पैसा नेसेसिटी अकाउंट के अंदर बच जाएगा, वट एवर द मनी यू लेफ्ट विद इन द नेसेसिटी अकाउंट विच इज 55%, दैट मनी विल अगेन बी ट्रांसफर टू फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट।
that money will be transferred to financial freedom account. That means to say, first you took out the money. देखो, by principle 10% तो यहाँ पे चला गया. Necessity account में जो पैसा था, अब आपका पता लगा सिर्फ 5% necessity में से खर्च हुआ. जैसे मेरा भी 5-10% ही necessity में खर्च होता है, बाकी पैसा भी खटक मैं कहाँ transfer कर देता हूँ, in my financial freedom account. So rule number one is टेक द मनी अंडर द कंट्रोल. जो मैं आपको बैंकिंग सिस्टम अभी बताने वाला हूं उसकी फर्स्ट लेयर क्या है, उसको फर्स्ट लेयर पे तो डिवाइड कर दो. सेकंड लेयर में आपका पॉइंट टेकन केयर हो जाएगा अखिलेश जी. जो जिस अकाउंट में पैसा बच गया, उस बचे हुए पैसे का क्या करना है, किस तरफ उसको ट्रांसफर करना है. सो दैट इज द वे वी नीड टू डू. तो आप कह रहे हो सेकंड अकाउंट कौन सा है? सेकंड अकाउंट है लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग. क्या होता है, हमारी लाइफ में ना बहुत सारे खर्चे ऐसे आते हैं जो कि हमें करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने वेकेशन के लिए खर्चा हो गया, कोई यूरोप का टूर है, अमेरिका का टूर है, कोई आपने प्लाज्मा टीवी, तो आजकल तो एलईडी ओएलईडी 1.5 लाख के 2-2 लाख के जो हमारे सोनी के एलजी के टीवी आ रहे हैं, और खरीद रहे हैं, ठीक है, एलटीएसएस में से निकालो पैसा और ले लो. दिवाली आई है, चली गई है, क्रिसमस आ रही है, आने दो, उसमें से ले लो. चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, फॉरेन के लिए एजुकेशन करनी है, तो पैसे तो चाहिए होते हैं ना लाइफ के अंदर. अब ये पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट की एफडी को तोड़कर नहीं, ये पैसा आपका एलटीएसएस का जो ग्रुप बना रखा है उसमें से जिंदगी के खर्चे करोगे. इससे फायदा हो गया ना, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट हमेशा चलता रहेगा, और ये दूसरा अकाउंट जिसमें 10% है वो इस तरह के सभी खर्चों को टेक केयर कर लेगा. यानी कि मनी ही मनी अवेलेबिलिटी है. जब आप देखोगे, देखो स्मॉल कंट्रीब्यूशन, आप ना थोड़ा 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 पैसा उसके अंदर डालते रहते हो. थोड़ा क्या है, इनकम का 10% है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ये जो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग है ना, इतना अमेजिंग काम करता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब इस अकाउंट के अंदर कितना ह्यूज अमाउंट एक्यूमुलेट हो चुका है. ओके, यू मे हैव मोर देन 1 LTS. इफ यू हैव मोर देन 1 LTS, इसका मतलब ये है कि LTS के ना छोटे छोटे और विचार बना सकते हो. चलो ये पैसा मेरे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, निकलेगा उसी 10% के अंदर से ही. सो दैट कि जैसे ही उसमें अमाउंट पूरा हुआ, आपने वो वाली एक्टिविटी को पूरा कर लिया. हमारे पुराने जमाने में व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, बच्चों को ये सिखाते थे, ओके यू वांट टू बाय अ कार टॉय. थोड़ा वो बड़ा मेगा टॉय होता था, तो मान लीजिए वो उस समय की बात करते हैं, तो उसका एक एक्स वाई जेड अमाउंट है. तो बच्चों की जो पिगी बैंक के अंदर पैसे इकट्ठे हो रहे थे, हमने कहा जैसे ही ये फिगर को टच करेंगे तो अपनी वो ड्रीम चीज आप बाय कर लेना. तो ये उस तरह का LTSS का स्कीम है. मीनिंग देयर बाय कि 1,000 के अंदर आपने ये पैसा एलोकेट कर दिया, तो किसी ना थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. जो इनफ्लो आया उसका एक परसेंटेज वहां पर ट्रांसफर कर दिया. सो नाउ आई विल टेल यू कि ये वर्क करेगा कैसे. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट is education account. 10% education account का बहुत ही क्लियरली मतलब ये है कि आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कूल की कॉलेज की, या मतलब बच्चों के स्कूल की कॉलेज की फीस के लिए आप निकाल रहे हैं. नो, एजुकेशन मीन्स योर ओन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. द मोर वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑन अवर ब्रेन, ये इतना मनी क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेस करने हैं, कोई आपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम करने हैं, जिसके अंदर कई बार हम सोचते हैं कि कितने का प्रोग्राम है, ओके करेंगे ना करें. जैसे पीछे टोनी रॉबिन्सन के प्रोग्राम आए, लाइक ही वर्क्स ऑन द ब्रेन, ही वर्क्स ऑन द माइंड, ही अवेक द जायंट इन अवर सेल्फ. तो उस तरह के प्रोग्राम के लिए हम कहते हैं कि यार ये 27,000 है, महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, करें कि ना करें, सिंगापुर जाना पड़ेगा, पहले जाते थे, हमें US जाना पड़ेगा. और ओके, अरे यार एजुकेशन फंड अकाउंट के अंदर वो पैसा पड़ा है ना, खर्च दो उसको. दिस मनी नीड टू बी स्पेंड. ये पैसा निकाला, आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, इन माय ओन लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ माय मेंटोर एंड सो मेनी पीपल अराउंड माय लाइफ, दोस हु आर इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट टुवर्ड्स देयर ओन ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी जिंदगी में ना पैसा ऐसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होके आ रहा है, क्योंकि एक आइडिया है जो मनी में कन्वर्ट हो जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी दैट एजुकेशन अकाउंट इज इंपॉर्टेंट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इफ यू एग्री विद मी, देन please type agree in the chat box. Yes, in this live session, I need your participation.
Agree. Yes, my dear friend, this is something most important. नहीं तो मैंने बहुत बार, many time I have seen the people, something is very good. They want to buy on their own education, but they restrict. बच्चे का दूध लूं या मैं अपनी education पे करूं, चलो मैं ना milk ही purchase कर लेता हूं. अरे नहीं, बच्चों का दूध, घर का खाना, बाकी सारी चीजें आपकी necessity account में से आएंगे. अगर आपने लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है तो वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में से आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के लिए करना है तो वो आपके LTSS के अंदर आ रहे हैं. तो व्हाटएवर द मनी इज देयर इन द एजुकेशन अकाउंट, ये आपकी लाइफ में ना एक डिसिप्लिन भी क्रिएट करेगा कि जो आप एजुकेशन में से पैसा खर्च कर रहे हैं उसका ट्रू डेवलपमेंट वैल्यू अपनी लाइफ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे. आपने उस बैंक अकाउंट को देखा कितना बैलेंस है, खटक उस कोर्स की फीस पे की, जो भी आप अपना लाइक, जो आपकी पैशन के लिए आप करना चाहते थे. दिस वन इज द एजुकेशन अकाउंट माय डियर फ्रेंड. अब आ गया नेसेसिटी अकाउंट. देखो इसकी परसेंटेज क्या है, इट इज 55%. क्या कह रहा है ये, आपकी ना हर रोज की जिंदगी के खर्चों को टेक केयर करने के लिए है. हो क्या रहा था, हम ना जनरली अगर ये मैनेजमेंट सिस्टम नहीं अपनाते हैं तो उस केस के अंदर जो भी हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर पैसा आता है, जो भी पैसा आता है तो वो हम खर्चे बढ़ा लेते हैं अपने, और खर्चे धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाते हैं, ऐसे बढ़ जाते हैं. चलो ड्राइवर भी आ गया, ये भी आ गया, नहीं ओके ड्राइवर भी आ गया, गार्ड भी आ गया, और हमने मतलब कुछ ऐसे 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 करते 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 इतने खर्चे बढ़ा लिए कि जो पैसा आता है वो खर्चों में ही निकलता चला जाता है. फिर वो लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है, जहां पर हम खाना खाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वो ऐसा लाइफ स्टाइल का चक्र भी बन जाता है कि जो कुछ आ रहा है वो नेसेसिटी अकाउंट में निकलता चला जा रहा है. देर इज नो सेविंग, देर इज नो प्लानिंग, बट वेन द सिस्टम इज देयर यू नो वट एवर द मनी इज कमिंग 55% उसका आपने नेसेसिटी में लगाना है. सो दिस ब्रिंग एन अमेजिंग लेवल of financial discipline in your life. Nirav Shah ji ne kaha ki education is paid by the company. Okay, dekho education jo company pay kar rahi hai, that is good, that is very 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 good and amazing. Acha uske baad ab fir bhi aapne education fund account ke andar wo paisa rakha. Now you need to decide the money which is available in that education account जो आपने एलोकेट किया था. देखो अल्टीमेटली ये कहां पर चला जाएगा पैसा, FFA के अंदर चला जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर चला जाएगा. पहली लेयर क्या है, पहली लेयर है उसको डिवाइड कर दो. हमें ना नीरव जी अपने माइंड सेट को एक बार के लिए सेट करना होगा. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप हो, आपकी अपनी ही कंपनी है, वो कंपनी पे करती है एजुकेशन के लिए, बहुत बढ़िया है. दैट मीन टू से कि वो पैसा जब आपके पास आया जो आप ले रहे हो कंपनी से, उसको आपने 6 लेयर के अंदर डिवाइड किया, तो क्योंकि ना ये ऑटोमेटिक है. सेकेंड लेयर के अंदर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि इस पैसे को कहाँ पर ट्रांसफर करना है. अगर कोरस्पॉन्डिंगली एजुकेशन कंपनी से जा चुकी है तो भेजो इसको कहाँ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर. सो सेकेंड लेयर के अंदर आपके पास मैं चॉइस रखूंगा, लेकिन फर्स्ट लेयर में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारी एजुकेशन की चीजें हैं. जब आप नीरव जी देखेंगे तो आप देखेंगे नीरव जी ना, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी एजुकेशन पे आप खर्च कर रहे थे और कितनी सारी एजुकेशन आपने रोक कर रखी हुई है. उसके लिए चाहिए था वो एजुकेशन अकाउंट. जब 1-to-1 करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि एजुकेशन तो अकाउंट चाहिए ही चाहिए, हर लेवल के ऊपर चाहिए. ओके तो आपने कहा एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑल्सो इन लास्ट, ठीक है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है. तो नेसेसिटी अकाउंट के अंदर हम पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे, जो हमारे पास मनी आई, जितने भी पर्सनल लेवल के खर्चे हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कोई टैक्सेस है, कोई यूटिलिटी है, अपने गारमेंट है, क्लोथ है, तो व्हाट एवर दी पर्सनल, घर का राशन पानी, एनीथिंग दैट यू नीड टू बाय इज बीइंग पेड थ्रू दिस नेसेसिटी अकाउंट. और नेसेसिटी अकाउंट की मैंने खासियत क्या बताई थी, इसमें जो पैसा बच जाएगा दैट मनी विल बी शिफ्टेड बैक टू दी फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा हमारे पास बच रहा है उसको हमने आगे सेविंग्स के लिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम वाले अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है.
ऑफिस एक्सपेंसेस, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी भी एक्सपेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पर्सनल के हैं, एक होगी कंपनी, एक हो गए आप, कंपनी से आपको पैसा मिल रहा है एज अ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर सैलरी, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंटल फ्रॉम द कंपनी और एनी अदर इनकम दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। सो ये 6000 टेक्नोलॉजी वहां पर क्रिएट होनी है जिससे कि हम आपकी नेट वर्थ क्रिएट कर सके, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए लेकर आएगा। तो मेडिकल के खर्चे एब्सोल्युटली यस सुनील जी, वो नेसेसिटी अकाउंट में से जाएंगे मेडिकल के खर्चे। नेक्स्ट क्या है, प्ले अकाउंट, ये बड़ा अमेजिंग है, देखो कितना है 10%, ये ना हर महीने इस अकाउंट में जो पैसे आते हैं ना इनको खर्चा कर देना है, खर्च देना है ये वाले पैसे, और ये अपने ऊपर हमने खर्च लिया है, इसको नर्चर करो अपने सेल्फ को। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैंने तो हर तरह के एग्जाम्पल लिख दिए इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना एक बड़ी अमेजिंग सी शर्ट, बहुत अमेजिंग शर्ट पसंद है, जो कि जनरली आप मॉल में जाते हैं और अगर छोड़ो यार ये महंगी है नहीं लेनी, छोड़ो, या आपने कहा कि चलो यार ये वीकेंड के ऊपर एक बढ़िया सी मसाज ही करा लेते हैं, नहीं, अच्छा दिमाग ना चलता रहता है, सोचता रहता है दिमाग ना, आपके प्ले अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं ना, तो उसके ऊपर खर्च दो, उसके ऊपर मतलब पैम्पर योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ अ गिफ्ट। देखो एक तरफ हमने नेसेसिटी के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, एक तरफ हमने फाइनेंशियल फ्रीडम भी कर रहे हैं, जो भी लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी स्पेंडिंग होगी उसके लिए भी पैसे रखे हुए हैं, एट द सेम टाइम जो हमने अपनी इच्छाओं को दबा के मार के बैठे थे, पता लगे कि वो जब प्ले अकाउंट में से हम स्पेंड करना शुरू करते हैं ना, जो मैंने आपको शुरू में फोटो दिखाई थी, फिर ना सोचना नहीं पड़ता पैसे के बारे में, वो हमारी बीइंग का ही पार्ट बन जाता है, समझ लीजिए, ये ना एक ऐसी ऊर्जा और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब आप किसी 5-स्टार होटल के अंदर गए और वहां पर आपको राइट हैंड साइड पे उसके अमाउंट को देखकर नहीं, उसके लेफ्ट हैंड साइड के उसकी आइटम डिस्क्रिप्शन को देख के ऑर्डर करना होता है, और उसका खर्चा कहां से जाएगा, प्ले अकाउंट में से। तो नर्चर योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड, तो अपने आप को अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव एस्पेक्ट है तो दे दो, व्हेनेवर देयर इज अ बैलेंस इन द प्ले अकाउंट। खासियत क्या है, इस महीने के बैलेंस को इस महीने में खर्च कर देना है पूरा का पूरा, स्पेंड इट ऑन योरसेल्फ। ये ना आपके ब्रेन के, आपके माइंड के जो रिलेशनशिप है ना मनी के साथ में, पूरी तरह से उसको ऑल्टर और ट्रांसफॉर्म करने वाला है। जो हम हर समय 24 घंटे सोचते रहते हैं, नहीं यार नहीं, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, हर चीज में नेगोशिएशन करो, इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप बेस्ट रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट करो, हाइएस्ट इनकम जनरेटिंग में करो, नेसेसिटी के अंदर बड़े ध्यान से चीजों को, बड़े मतलब एकदम कंजूसी के साथ में तरीके से प्लान करके नेसेसिटी अकाउंट को स्पेंड करो, एजुकेशन में वहां स्पेंड करो जहां पर बहुत वर्थ क्रिएट कर रही है। लेकिन एक अकाउंट ऐसा भी तो रखो ना, जैसे प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है ना, सीटी जब यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है उस कुकर के अंदर, हर कुकर में एक सीटी होती है, तो वो निकालने का काम कौन करता है, हमारा प्ले अकाउंट, ये बैलेंस क्रिएट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी वो एग्जिट सिस्टम रखते ही नहीं और कंटिन्यूसली ब्रेन ना अभाव की स्थिति में रहता है, लाइक स्केयरसिटी, द ब्रेन रिमेन ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ द स्केयरसिटी, यार पैसे नहीं है, ये करना है ये नहीं कर सकते, मुझे भी अपनी अपनी इच्छाएं दबा के रखनी है, अभी तो ये नहीं कर रहा, अभी तो पैसे नहीं है ना, इसको बचा लेते हैं, अभी बच्चों के स्कूल की फीस भी करनी है, इधर से मैं 8000 रुपए की शर्ट ले रहा हूं और वहां बच्चों के नहीं नहीं ऐसा ना, सी बट दिस अकाउंट प्ले मैजिकली, और वो ना चाहते ना चाहते हुए भी कभी भी अंडर कंपल्शन वो कुकर की सीटी बजी जाती है, वो इस तरह की स्पेंडिंग आप कभी कभार कर ही देते हो, उसके बाद फिर गिल्ट मोड के अंदर चले जाते हो, और ये वाला खर्चा ना मुझे नहीं करना चाहिए था, हालांकि दिल की इच्छा है, आपकी जो फेवरेट वॉच है जो आप परचेज करना चाह रहे थे, डोंट यू थिंक कि उसको एक बार हम प्ले अकाउंट में से बाय कर लें, वो जो बड़ी अमेजिंग सी टाई थी जो आपके फेवरेट पर्सन ने पहनी हुई थी, आपके मन में भी आया कि यार ये वाली टाई ना एक बार मुझे भी ले लेनी है, हाथ की ब्रेसलेट थी जो आपको बाय कर लेनी है, वो कभी भी उन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाए, चलो छोड़ो यार महंगी है, अरे कोई महंगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 6000 टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जो विश है, आपकी जो विल है, उसको हम कहां से पूरा करने वाले हैं, उसको हम प्ले अकाउंट से पूरा करने वाले हैं।
डू इट माय डियर फ्रेंड, डू इट। परमजीत सिंह जी कह रहे हैं, आई हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस 6 मंथ बैक बट स्टिल नियरिंग ब्रेक इवन, हाउ टू डिफरेंशिएट मनी इन अकाउंट। परमजीत जी, जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में कर रहे हो ना, तो बिजनेस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, आपकी परमजीत सिंह की पर्सनल आइडेंटिटी है। अब बिजनेस जो आप कर रहे हो ना, तो आपने चाहे 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, उस 6 महीने पुराने बिजनेस के अंदर से भी जो आप अपने लिए पैसे निकाल रहे हो, अपने लिए जरूर निकालो, 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ और वट एवर द मनी दैट यू नीड। भाई अपने इंप्लॉय को सैलरी भी तो दे रहे हो, उसके अंदर परमजीत सिंह सीईओ काम कर रहा है, उसको भी तो मिलना चाहिए। वहां से जो बिजनेस से आपने पैसा निकाल, अभी भी तो निकल ही रहा है, घर का खर्चा तो चल ही रहा है, तो मैं कह रहा हूं वो मनी जो निकल कर आई, उस मनी को आपने इन 6 जार के अंदर डिवाइड करना है, यानी कि अब आपको ना इंकरेजमेंट मिलेगी, मेरा खर्चा ही इतना है, अगर मेरा खर्चा ही इतना है और मैं उतना सा ही निकाल रहा हूँ और बस गुजारा कर रहा हूँ, यही माइंडसेट हमें चेंज करना है। अब जो भी आपने पैसा बिजनेस से निकाला, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम योर बिजनेस, फ्रॉम जी, उस केस के अंदर उसके 55% को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नेसेसिटी के लिए, बाकी पैसा तो इन्हीं अकाउंटों के अंदर जाएगा। इसका मतलब है अगर आपका खर्चा ज्यादा है तो अब आपको ज्यादा पैसा बिजनेस से निकालना है, अगर ज्यादा निकालना है तो बिजनेस के अंदर और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो नहीं तो कम के अंदर मैनेज करना पड़ेगा। तो ये ना एक ऐसा अमेजिंग मैजिकल टूल है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को डिसिप्लिन के अंदर लेकर आ गया। दैट मीन टू से अपने बिजनेस में से जो पैसा आपने लिया, उसके 55% में से आप अपनी नेसेसिटी लाइफ को रन कर रहे हो, देखना कैसे ब्रिलियंट आइडिया आएंगे। यहाँ पर लगाओ ना दिमाग कि कैसे हम कम से कम खर्चा करके अपनी लाइवलीहुड को चला सकते हैं, जो अभी बिल्कुल स्टार्टअप स्टेज के ऊपर है, जो बिल्कुल रिच की स्टेज के ऊपर है उनके लिए भी सेम है, जो नेसेसिटी में बच जाएगा उसको फाइनेंशियल फ्रीडम में ट्रांसफर कर देना, यानी कि ये ऑटोमेटिकली दोनों तरफ काम करता है। ओके, यस, सॉरी। बद्रीनाथ जी ने कहा, फॉर कंसल्टेंट शुड वी टेक ट्रेनिंग फ्रॉम पर्सनल और कंपनी। सारा का सारा ट्रेनिंग का खर्चा जाएगा तो कंपनी में से जाएगा, ताकि आपको इनकम टैक्स में एक्सपेंस भी मिल सके। बद्रीनाथ जी, खर्चा एजुकेशन का कंपनी के अंदर जाएगा, फिर भी जो पैसा आप निकालते उसको एक बार एजुकेशन में डाल के, क्योंकि एजुकेशन कंपनी से भी जा रही थी, उसको दोबारा से आप फाइनेंशियल फ्रीडम में ट्रांसफर कर लेना। यस, जसमीत जी ने कहा, क्लोज एक्सपेंसेस विल बी पेड फ्रॉम प्ले अकाउंट। नो, जो आपके नॉर्मल क्लोज हैं, जो हमेशा आप खरीदते हो, हमेशा जो आप पीटर इंग्लैंड की शर्ट या कपड़े खरीदते हो, वो सारे के सारे नेसेसिटी अकाउंट में से जाएंगे। प्ले अकाउंट में से क्या जाएगा, वो वाली शर्ट जो कि आपको लगता है कि आपकी किसी सेलिब्रिटी ने पहनी थी और मुझे भी वो लेनी है, जो आपके माइंड ने कहा कि यार महंगी है ये, मैं कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ, वो वाली शर्ट, यानी कि अपने आप को नर्चर और पैम्पर करने के लिए जो खर्चे हैं वो आपके प्ले अकाउंट में से जाएंगे। हरसिमरन जी ने कहा, इफ समवन हैड मेजर लॉसेस इन बिजनेस एंड करंटली द फंड्स आर लिमिटेड टू ट्यून ऑफ एक्सपेंसेस, हाउ टू मैनेज इट इन अ ब्रिलियंट मैनर। सर, हरसिमरन जी, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिजनेस सेपरेट है और आपकी पर्सनल लाइफ सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट, पर्सनल लाइफ सेपरेट। तो बिजनेस जिस भी स्टेट ऑफ अफेयर के अंदर है, जब आप सही रहेंगे, देखो एक तो ना हमारे चक्कर क्या है, माइंडसेट के अंदर ना ये आइडेंटिटी क्लैप्स है, पूरी तरह से क्लैप्स है ये आइडेंटिटी, इसकी हम एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं। देखो इस क्लैप्स आइडेंटिटी को ना ब्रेक करो, तो इसको अलग करो पहले, ये कर दिया मैंने, ये आपका बिजनेस है, ये बहुत प्रॉफिट में भी हो सकता है, ये भी लॉस में भी हो सकता है, ये ब्रेक इवन में हो सकता है, चलने दो इसको, इसके ऊपर मेहनत करनी है। कौन मेहनत करेगा इसके ऊपर कौन मेहनत करेगा, ये मेहनत करेगा इसके ऊपर, ये कौन है, ये आप हो, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी लाइफ है। अगर ये पर्सन की नेसेसिटी पूरी हो रही है, इस पर्सन ये खुश है, इसका प्ले भी है, इसका फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, इसका सब कुछ है, ये इंडिपेंडेंटली सोचता है कि इसने अपने बिजनेस को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है और इसको टेक केयर करके नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाना है,
अपना पेट काट काट के, ये तो वही बात हो गई कि आप एक काम करो कि दिल्ली से अमृतसर जाना है और बहुत जल्दी जाना है और भागना है और पहुंचो 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 रास्ते में। अच्छा पेट्रोल कितना है? पेट्रोल है सिर्फ 100 किलोमीटर तक का, अमृतसर है 500 किलोमीटर। आप कह रहे हो मेरे को पेट्रोल नहीं डलवाना गाड़ी में, बस गाड़ी भगाओ भगाओ भगाओ, सुखदेव के ढाबे को छोड़ दो पीछे, भगाओ भगाओ भगाओ, कोई नहीं रुकना, भागी जाना है। तो क्या इस गाड़ी के साथ में आप अमृतसर पहुंच जाओगे यार सिमरन जी? कभी भी नहीं पहुंचोगे, कभी भी नहीं पहुंचोगे। अरे भाई गाड़ी में तो पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा, किसी खेतों के पास जाके रुक जाएगी गाड़ी, वो वाली खेतों के पास रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ही डलवाया। सिमिलरली इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो उसका सीईओ, जो आप उसको मैनेज कर रहे हो, उसकी लाइफ मस्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि आप बिजनेस जिस भी स्टेट में चल रहे हैं, एक एक्स अमाउंट तो देंगे ना पर्सनल लाइफ के लिए। जो भी एक्स अमाउंट आप देंगे, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, जो भी मंथली, 20,00,000, हर महीने एक फिक्स रेगुलर अमाउंट आपके बिजनेस से निकलना ही निकलना है। हम सारी दुनिया जहान को सैलरीज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि खर्चा आ गया, बैंकों की ईएमआई तक दे देते हैं। मैंने तो ये देखा है कि बिजनेस किया, लोन लिया, 3,00,000 महीने की ईएमआई है, पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के टर्म लोन की ईएमआई आप दे देते हो, पता नहीं कहां से पैसे निकाल बोल के बैंकों का इंटरेस्ट पे कर देते हो ताकि हमारा वो बैंक अकाउंट एनपीए ना हो जाए। लेकिन जब अपनी बात आती है उसमें से निकाल ही नहीं रहे। जब निकाल ही नहीं रहे तो स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा मैनेज करने वाले का? यार बड़ी तंगी है यार, मैं ना कुछ खर्च नहीं कर सकता यार, लाइफ बड़ी टाइट चल रही है। अरे नहीं, यहां पर हमें फुल्ली चार्ज सीईओ चाहिए कंपनी का। नाउ यू गॉट माय पॉइंट हरसिमरन जी? दैट मीन टू से अ फिक्स अमाउंट नीड टू बी टेकन फ्रॉम द व्हाटएवर द बिजनेस दैट यू आर डूइंग एंड देन एलोकेट दैट अमाउंट इनटू द सिक्स जार टेक्नोलॉजी। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। होगा क्या कि आप जिस भी स्टेट के अंदर हैं, जहां कहीं भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने शुरू शुरू में ही हरसिमरन जी आपसे ये कमिटमेंट लिया। कौन सा कमिटमेंट लिया? ये देखो, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर, रिजल्ट। हां जी, समझ रहे मेरा पॉइंट? This is the game changer point, my dear friend. अब आया ना मजा? अब थोड़ा फ्लो बना है आपके क्वेश्चंस के साथ में। आ जाओ, ये ना लाइव सेशन है तो आने दो क्वेश्चन, कुछ रह ना जाए, कुछ भी रह ना जाए आपके माइंड में, जो भी आ रहा है ना पूछ लो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये ना बड़ा ही प्रैक्टिकल सिस्टम है। अब इसको किसी ज्ञान की तरह मत देख लेना, जैसे फिल्म देखते होते हैं हैरी पॉटर की, ठीक है, अरे वाह अच्छा, ओ वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले तालियां। Now, this is not a Harry Potter game. This is something, your life transforming session. You are investing your life. 5 a.m. morning में कौन आता है? आप आते हो क्योंकि आप committed हो। Hundreds of people are there from across the country. Across the country. सभी जब reply करें तो panelist and attendee reply करें क्योंकि सभी के question सभी तक तभी पहुंचेंगे। तो क्या है, आप इसके अंदर आए हो, इसलिए नहीं आए हो कि इसके बारे में मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये 6,000 होते हैं, इसलिए आए हो कि अपने सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लो, अपने सारे के सारे कंसर्न एड्रेस कर लो, और अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये 6,000 टेक्नोलॉजी का सिस्टम आपकी लाइफ में इंप्लीमेंटेड है, माई डियर फ्रेंड, इंप्लीमेंटेड है। यस, तो बद्रीनाथ जी ने कहा, वट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज टू बी टेकन फ्रॉम बिजनेस फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर कंसल्टेंट। ये मैंने क्या बताया बद्रीनाथ जी, पहले ये डिसाइड करो कि आपने बिजनेस में से रेगुलर मंथली क्या लेना है, जो भी निकालेंगे अपने लिए, अपनी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं भी कंसल्टेंट हूँ आपकी तरह, मैंने क्या किया हुआ है, मुझे मालूम है कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, तो मैं अपने बिजनेस का जितने प्रॉफिट की परसेंटेज है ना उसका आधा, जैसे मान लो किसी का 10% का प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर, उसका आधा यानी कि 5% तो बिजनेस में से खटक निकाल लेते हैं। वो पैसा अब आपकी नेटवर्क क्रिएट करने में इस्तेमाल होगा। वो फिगर आपके लिए 1,00,000 रुपए महीना हो सकती है, 2,00,000 हो सकती है, 5,00,000, 10,00,000। कुछ लोग तो हैं जो फिक्स सैलरी भी ले रहे हैं, डायरेक्टर सैलरी, अदरवाइज वो जो पैसा आपकी लाइफ में फ्लोइंग कर रहा है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, और उस पैसे का 10% एजुकेशन के अंदर जाना चाहिए। आपने कहा जसमीत जी, किड्स की एजुकेशन का एक्सपेंसेस, बच्चों की एजुकेशन जो है वो नेसेसिटी अकाउंट में से जाएगी।
ये एजुकेशन सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल एजुकेशन है. यस, तो हर्षन ने कहा सर व्हाट इफ द सैलरी इज नॉट एनफ एंड अकाउंटेंट से वी कैन नॉट पे मोर एज इट विल डीफॉर्म द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी एज देयर इज नो मच प्रॉफिट. बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. देखिए इस केस के अंदर मैं समझ गया पता लगे कि आपको 3 लाख रुपए महीना खर्च करना है और 36 लाख रुपीज का एक्सपेंस आपका मान लीजिए पर्सनल आ गया सैलरी के फॉर्म के अंदर, लेकिन बिजनेस के अंदर तो प्रॉफिट ही 10 लाख का था. 36 लाख डालेंगे तो बुक्स में -26 लाख का लॉस आ जाएगा कि हम जी किताबों में ज्यादा सैलरी आपकी दिखा नहीं सकते. हरसिमरन जी कहीं ना कहीं ये बात हम कर रहे हैं कच्चे पक्के की. सॉरी, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस और लाइफ इसका मतलब है मिसमैच है दोनों चीजों के अंदर. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान, प्लानिंग. तो हरसिमरन जी मेरे साथ 1-to-1 करो. 1-to-1 करके प्लान करेंगे कि ऐसा कब तक चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, कब तक चलेगा. ये जो विशेष सर्कल है ना खटाक ब्रेक करना होगा. आप और आपके अकाउंटेंट दोनों मेरे से मिलो, मेरे से बातचीत करो. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल का ये वाला मिथ ब्रेक किया है. और टाइम आने ही वाला है सिमरन जी जब आपकी बुक्स जो है ना वो ट्रू रिफ्लेक्शन होगी आपके बिजनेस का. दैट इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन, ओनली एंड ओनली परमानेंट सॉल्यूशन. परमजी जी ने कहा ड्यू टू स्लो डाउन इन मार्केट इफ सेल इज लेस हाउ टू टेक आउट मनी इवन नेसेसिटी आर बीइंग यूज्ड फ्रॉम पर्सनल सेविंग. परमजी जी ये भी प्लानिंग वाला पार्ट है. इसका मतलब है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल समरी है उसके ऊपर ना पूरा ध्यान देने की जरूरत है. बिजनेस की फाइनेंशियल समरी के नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है. अब वो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, वो आती है आपकी प्लानिंग के लिए. तो हरसिमरन जी, परमजीत जी, डू 1-to-1 विद मी एंड यहाँ पर हम ना देखो बेसिक कंडीशन बिल्कुल कर लेंगे. हम लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमें बिजनेस भी वर्ल्ड क्लास चाहिए एकदम पक्का और उसके अंदर पर्सनल प्लानिंग भी वर्ल्ड क्लास चाहिए एकदम पक्की. तो दैट वे हमें उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है अगर हम वाकई ही बड़ी गेम प्ले करना चाहते हैं. दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. सॉरी, ओके. तो लेट मी आई जस्ट टेक अ स्मॉल लिटिल ब्रेक. लेट मी हैव अ थॉट. ओके, लेट्स गेट बैक एंड टू द सिक्स्थ अकाउंट. दिस वन इज गिव अकाउंट. गिव 5%. देखो मनी इन दिस जार इज फॉर गिविंग अवे. दैट मीन टू से यूज द मनी फैमिली फ्रेंड उनके बर्थडे पे, स्पेशल ओकेशन पे, उनके होलीडे पे देते हो ना, दो. चैरिटी में दो, चैरिटी के अंदर गिव. लंगर की सेवा में देना है, आपने किसी नीडी को हेल्प करनी है, देना ही देना है. इस अकाउंट के अंदर ना इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, इतनी इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, मैं आपको बता नहीं सकता. The more you give, the law of giving and receiving amazing तरीके से काम करता है. लोगों की लाइफ, लोगों की खुशियां, उसके लिए जब आपने ये भी रख लिया, देखो टोटल 100 रुपए आए, 100 रुपए का 5 रुपए आपने इस अकाउंट के लिए रख लिया. मैं उन लोगों को जानता हूं जो ना शुरू से ही गिव कर रहे हैं. सिख कम्युनिटी में तो 10% दसवंद का कंसेप्ट होता है. सॉरी, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आप जो पैसे देते हैं ये ना एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है, मनी इज एनर्जी. तो जब ये पैसे बिना किसी लालच के, बिना किसी इंटेंशन के कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, वो जाते हैं ना, तो आपके ये दिल में, ये हार्ट में ना ऐसी सेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है, वो ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, यू फील कंप्लीट. देखो हमने क्या किया, 6 जार के अंदर जब ये बड़े ध्यान से सुनना, 6 जार के अंदर ना ये बड़ा साइंटिफिक मेथड है. नेसेसिटी भी टेकन केयर हो गई, दिल की जो इच्छाएं हैं वो प्ले अकाउंट से टेकन केयर हो गई,
हमारी ओवरऑल ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन फंड में से पैसे जा रहे हैं और नया नया सीख रहे हैं हमेशा, तो ब्रेन के ऊपर काम हो गया, अब दिल पे कहां से काम होगा, फीलिंग्स के ऊपर कहां से काम होगा, फीलिंग के ऊपर काम होगा गिव अकाउंट से। एक बार देखे देखो, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी कि व्हेन जेन्युइनली फॉर द राइट कॉज व्हेन यू आर पार्टिंग अवे विद योर मनी यू विल सेटिस्फाइड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी, इफ यू रियली एग्री विद मी प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। यस, और वो जो फीलिंग आती है वो बड़ी अमेजिंग फीलिंग आती है, बहुत 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 अमेजिंग फीलिंग आती है। यस, तो अब देखो ना मैं क्या कर रहा हूं, आज के 5 AM सेशन के अंदर एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बता रहा हूं जिसने हर तरीके की फीलिंग को भी ले लिया, आपकी डीपेस्ट डिजायर इन द प्ले अकाउंट में टेक केयर कर लिया, हार्ट की डिजायर गिव अकाउंट में क्रिएट कर लिया, दिमाग को यह भी सेटिस्फेक्शन है कि पैसे जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जुड़ रहे हैं। सुनो मेरी बातों को, और अब ना आप ना ये मत मुझे कहना कि यार मुझे पता तो लग गया है लेकिन करूंगा नहीं। जो पैसा आ रहा है वो आपके एक ही बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है? आज की डेट में ये चीजें हमें हेल्प कहां से करेंगी? ये हमें हेल्प करेंगी बैंक अकाउंट से। कैसे? द 6 बैंक अकाउंट। यस माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, आपने कितने बैंक अकाउंट खोले हैं? 6 बैंक अकाउंट। यस, यानी कि आपके पर्सनल, जैसे मैं हूं जगमोहन सिंह, अकाउंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी बैंक अकाउंट? 6 बैंक अकाउंट। आप कहोगे क्या करवा रहे हो यार, 6 सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो सुबह सुबह? आंसर इज यस। हाउ मेनी बैंक अकाउंट? 6 बैंक अकाउंट। इतने काम आ रहे हैं, मेरा एक पार्टिसिपेंट है उसके मैंने 6 बैंक अकाउंट खुलवाए हुए थे, कहता है वाह यार बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा क्या फायदा हुआ? कहता मेरा एक अकाउंट यस बैंक में है और एक बैंक SBI के अंदर है, पीछे यस बैंक में प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने 50,000 की लिमिट कर दी थी। कहता मैं ना पहले सारे पैसे यस बैंक में रखता था, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों यस बैंक के अंदर, अगर जगमोहन तूने ये वाला 6 बैंक अकाउंट ना खुलवाए होते ना मेरा बैंड बज जाता। मैंने कहा वो कैसे? कहते यार मेरे बाकी पैसे दूसरे बैंकों में भी पड़े हुए थे, तो उससे क्या फायदा हुआ कि मेरी सेफ्टी हो गई, बैकअप हो गया और आराम से क्लैरिटी हो गई। तो जसमीत जी ने कहा वी कैन ओपन दीज 6 इन माय नेम, हाँ बिल्कुल कर लो, अपने और वाइफ के नाम से ज्वाइंट कर लो, नो प्रॉब्लम, ज्वाइंट कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो आजकल ना बैंकों को मैनेज करना कौन सा मुश्किल काम रह गया है, आप जो एक बैंक अकाउंट होगा ना, आपका मेन बैंक अकाउंट होगा, जैसे मेरा ICICI वाला एक मेन बैंक अकाउंट है, उसका मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, जब कंपनी में से पैसे आते हैं तो वो ICICI बैंक में मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं, जिससे मुझे अपनी नेटवर्थ क्रिएट करनी है। मोबाइल बैंकिंग मेरे पास है ही, वहीं से ही टक 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 पैसे जो है वो बाकी अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेस देन फाइव मिनट क्या, वैसे तो 1 मिनट ही लगता है मुझे उसको मैनेज करने के लिए। तो आर यू एबल टू रिलेट? तो आपने कहा कि why 6 बैंक अकाउंट, मोस्ट ऑफ द मनी इज इन लिक्विड फंड और सम अदर फंड। पूरा बताता हूँ निखिल जी, आज साइंस को ना पूरा समझ लो, जड़ से समझ लो, एक एक लेयर को मैं निकालता चला जाऊंगा। तो पहले मैंने क्या बात बोली कि आप 6 जार के प्रति अवेयर हो, दूसरी बात मैंने क्या बोली, मैंने आपको वेरियस जार बताए, तीसरी बात मैंने आपको क्या बोली कि आपको 6 बैंक अकाउंट खोलने हैं, नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई कि ये जो 6 बैंक अकाउंट हैं बड़े इजीली मैनेज हो जाएंगे क्योंकि आप मोबाइल बैंकिंग से तो पैसे यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं नेक्स्ट लेके जाता हूं। ओके, प्रदीप जी ने कहा सो व्हाइल फाइलिंग रिटर्न वी हैव टू गिव 6+ प्रोप्राइटरशिप फर्म अकाउंट डिटेल। देखो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ना हमें एक बैंक अकाउंट का नाम देना होता है जिसके अंदर रिफंड आता है, बाकी 6 बैंक अकाउंटों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाकर उसको कर सकते हैं, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है प्रदीप मल्होत्रा जी। और वैसे भी आपके ये 6 बैंक अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट है ना, या ज्वाइंट नेम पे वाइफ के साथ में है, आपके अपने अकाउंट है, तो नॉट ए प्रॉब्लम। और उसके अंदर मनी की मूवमेंट भी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से होने वाली है। चलो मैं बताता हूँ आपको एलोकेशन। देखो
एलोकेशन करनी है सबसे पहले, यानी कि अगर आप मंथली कंपनी से लेते हैं एक फिक्स अमाउंट तो मंथली, वीकली लेते हैं तो वीकली, या एडहॉक बेसिस पे लेते हैं तो एडहॉक बेसिस पे, जैसे भी आए फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? जैसे ही पैसा आपके पास आया आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपने खटक एलोकेट कर दिया इस फार्मूला के हिसाब से। नाउ व्हाट इज दैट फार्मूला? दिस फार्मूला सेज दैट, मान लीजिए आपने 1 लाख लिया, ये लो सॉरी, जैसे ही 1 लाख लिया तो आप देखेंगे ये 1 लाख रुपीस ऑटोमेटिकली इस रेशियो के अंदर डिवाइड हो गया। यानी कि जिस अकाउंट में, मान लो मेरे आईसीआईसी बैंक के अंदर पैसा 1 लाख रुपए आया, अब मुझे पता है 55,000 तो रहना ही है, तो मुझे क्या करना है, 10,000 10,000 10,000 10,000 और 5,000 ट्रांसफर करने हैं अपने पहले बैंक में, दूसरे बैंक में, तीसरे बैंक में, चौथे बैंक में, पांचवें बैंक में। ये पांचवा बैंक जो है मेरा आईसीआईसी बैंक है, जो गिव अकाउंट है, ये दूसरा अकाउंट है, प्ले अकाउंट के अंदर 10,000। जैसे ही 1 लाख रुपए आया तो ये 1 लाख रुपए एलोकेट हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? इफ यू अंडरस्टूड दिस प्लीज टाइप अंडरस्टूड, और यू प्लीज टाइप अंडरस्टूड, प्लीज टाइप अंडरस्टूड अगर आपको समझ आ गया। आपके पास पैसा आया और आपके मेन अकाउंट में चला गया, जो ब्लैक कलर में है वो तो आपके उसी में रहेगा, जो ब्लू कलर के अंदर है आपने 1 2 3 4 5 खटक कर 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 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। उसके लिए आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि पे अकाउंट तो आपके अकाउंट में ऐड हो गई, क्योंकि सेल्फ को ट्रांसफर कर रहे हैं, टक 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 पांचों में ट्रांसफर कर दिया, बस इतना सा काम है। नाउ यू अंडरस्टूड दिस, इसकी एलोकेशन करना कितना आसान था। हुआ क्या, पैसा आया, कहां पड़ा हुआ है, आईसीआईसी बैंक में, जब भी टाइम मिले आपको उस समय आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। कितना सिंपल स्टेप मैंने कर दिया। अब आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में पैसे पड़े हैं, एलटीएसएस में पड़े हैं, प्ले अकाउंट में पड़े, पड़े हैं, ये सारे के सारे सेविंग अकाउंट्स हैं, सारे के सारे सेविंग अकाउंट हैं। आपको यार पैसा सेविंग अकाउंट में रख के क्या फायदा, उधर बैंक की ओडी पे 9% ब्याज लग रहा है, इधर आपने पैसा मेरा उठा के सेविंग अकाउंट में डलवा दिया, इससे ब्याज मिलेगा? नहीं, इसके आगे खेल शुरू होगा ना, इसके आगे खेल शुरू होगा, यानी कि अब इस पैसे को यूटिलाइज करना है। यहां पर आपका फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एक्यूमेन काम करेगा कि ये पैसा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम वाला उसी अकाउंट में रखना है, या मैं एफडी में ट्रांसफर कर दूं, या म्यूचुअल फंड में कर दूं, या मैं इंडेक्स फंड में कर दूं, ईटीएफ के अंदर कर दूं, या मैं इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं, या मैं इसको शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, या मैं इससे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेके उसको किराए पर दे दूं, कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके उसको किराए पर दे दूं, मैं क्या करूं, ये सारी की सारी थिंकिंग किस में चलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर चलेगी। सारी की सारी थिंकिंग आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में चली, क्योंकि नेसेसिटी में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। पैसा 1 लाख रुपए सारा इसके अंदर आया था, ट्रांसफर करने के बाद 55,000 रुपए बच गया, तो नेसेसिटी में जो आपने बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, कोई आपने रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का पर्सनल बिल देना है, कोई आपने अपना जो भी नेसेसिटी के आटा दाल चावल राशन खर्च करना है, वो तो इसी अकाउंट के साथ में आपका डेबिट कार्ड है ना, आपके पास एक डेबिट कार्ड है, वहीं से तब करते हो। क्रेडिट कार्ड में मैं बिलीव ही नहीं करता, क्रेडिट कार्ड हम कंपनी का बना के दे देते हैं और कंपनी के खर्चे क्रेडिट कार्ड से होते रहते हैं, ताकि वहां पर हमें उसका बेनिफिट मिल जाए। चलो, हमारे पास तो हमारा डेबिट कार्ड ही रहता है, वरना मैं लोगों को देख रहा हूँ कि उन्होंने 4-4 क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं, और किसी को क्या देना, वो तो क्या कर रहे हैं, बैंकों का ब्याज ही भर रहे हैं क्रेडिट कार्ड द्वारा, क्योंकि उसमें आकर क्यूरियोसिटी में आकर कुछ भी चीज खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, बाद में उसकी किस्तें ईएमआई भरते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, नेसेसिटी अकाउंट में से, डेबिट कार्ड में से पेमेंट करते करते काम चला लिया और 10% फाइनेंशियल फ्रीडम में कर दिया। जसवीत जी ने कहा, कैन वी डू लाइक दिस इन एजुकेशन 5%, नेसेसिटी 60%? देखो, ऐसा है, नेसेसिटी में 55 ही रखो, एजुकेशन में 10 ही रखो। एजुकेशन में अगर आपका खर्चा कम हो रहा है ना, तो आपकी ओवरऑल इनकम कम हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन पे आप कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि एजुकेशन 10% रहेगा ना, ये इनकम कब 1 लाख से 10 लाख बन जाएगी पता ही नहीं लगना, ये इनकम कब 1 लाख से 50 लाख बन जाएगी, समझो मेरी साइंस को। साइंस क्या है? साइंस ये है जसमीत जी, एजुकेशन ही तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी कमाई बढ़ा रही है। हम कई बार सोचते हैं कि एजुकेशन पे खर्चा कम कर दो, मैं कहता हूं नहीं,
नहीं, आपकी इनकम जो 5 करोड़ भी हो जाएगी, 50 करोड़ महीना भी हो जाएगी, है ना। कईयों की है, कईयों की है। मैं तो देख ही रहा हूँ। आई एम डीलिंग विद लाइक इतने बिजनेस ओनर से मैं डील करता हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि इनकी क्या क्या टर्नओवर है और क्या क्या उनकी प्रॉफिट है, इनकम है। और कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ माइंडसेट का फर्क है। तो एजुकेशन में तो मुझे कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। एजुकेशन पे तो मैं अपनी कमाई का 10% खर्च करूंगा। अगर ये 10% वाला हिस्सा आपने कंपनी में से पे कर दिया है और फिर भी काम चल रहा है तो ठीक है, आप कंपनी को वापस कर दो एजुकेशन में से पैसे। होता ना अनसिक्योर लोन फ्रॉम डायरेक्टर, डाल दो, लॉन्ग टर्म में काम आएगा आपके। एजुकेशन का खर्चा करना आपको था, कंपनी ने कर दिया। अब आप समझ गए सेकंड लेवल के अंदर एजुकेशन में पैसा बचा है, अगर कंपनी ने पे कर दिया तो कंपनी को अनसिक्योर लोन दे दो, वापसी कोई बात नहीं, कंपनी ने आपके बिहाफ पे कर दिया, फिर और पैसा लेना। इस सिस्टम को ब्रेक मत करना। आपने कहा प्ले अकाउंट में 5% कर सकते हैं, नहीं, देखो प्ले अकाउंट में 5% नहीं करना। प्ले अकाउंट तो आपकी जो इच्छा है ना, खर्च दो अनुराग त्यागी जी, खर्च दो, कुछ अपने ऊपर भी खर्चो। देखो जिस थॉट ने आपको ये बोला है ना अनुराग त्यागी जी कि चल यार अपने ऊपर इतना क्या खर्चा करना है, इसको कम कर देते हैं, उसी थॉट की वजह से ये पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पैसे बचा के मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम में करने हैं, तो आप सोचो इस प्ले अकाउंट की वजह से ही, आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही, आपकी इच्छाएं पूरी होने की वजह से ये इनकम कब 1 लाख की 5 लाख हो जानी है, 10 लाख, 20 लाख, 50 हजार, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हो जानी है। ये साइंस है। तो उस थॉट को हमें ब्रेक करना है अनुराग जी, उस थॉट को हमने ब्रेक करना है कि जो हमें अपनी अपनी इच्छाओं के ऊपर पैसा खर्च करने से रोकती है। आप दो ना वाइफ को एक बढ़िया सा नेकलेस या सोने का ला के दो, ढड़ाक ठक ला के दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा काम करेगा। इतनी पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी, प्ले अकाउंट के पैसे को खर्च कर दो। तो आई एम नॉट अलाइंड अनुराग त्यागी जी, इसको भी कम नहीं कर सकते हम। जो कुछ कर सकते हो ना वो निसेसिटी में कर सकते हो। निसेसिटी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका 10-15% से, जैसे एज फैक्टर बताया उन्होंने, एज फैक्टर बताया कि अब 60 साल की अगर एज है तो 60 साल की एज के बाद इतना निसेसिटी में नहीं रहता, तो क्या करें, एक बार तो डालो इसके अंदर, फिर इसमें जो पैसा बच गया उसको फिर कर दो ना फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यस, और उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में से आगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स, एफडी, पैसिव इनकम करते चले जाओ। तो आपने कहा सर होम लोन जो है वो किस जार में से पे करना है। देखो होम लोन जो है आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप LTSS में से पे करते रहो, क्योंकि एक बार आपने होम खरीद लिया, होना तो ये चाहिए था कि घर खरीदने का सारा पैसा ही LTSS में इकट्ठा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने एडवांस में खरीद लिया और उसके अगेंस्ट में लोन ले लिया। इसका मतलब है कि LTSS लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग में से आप पर्सनल जो किस्तें पे कर रहे हो उसको LTSS में से पे कर सकते हो होम लोन को। यस, अब आपकी पार्टिसिपेशन ये बता रही है कि अब आप ना प्रैक्टिकली इसको सच में इंप्लीमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली गोइंग टू इंप्लीमेंट, क्योंकि आपकी जो यस आएगी ना वही डिसाइड करेगी कि मैं और कितना अच्छे से इसको इलेबोरेट करूं। क्या आप इसको अपनी रियल लाइफ के अंदर जार टेक्नोलॉजी को 6 बैंक अकाउंट के साथ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं? इफ यस देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड। वाओ, यस 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 यस, सो मेनी यसेस कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सो मेनी पार्टिसिपेंट। तो आप रिप्लाई अभी भी कर रहे हो पैनलिस्ट को, आप विद अटेंडीज के साथ में करो ताकि सबको आपकी यस सुनाई दे। यस, देखो अब उससे क्या पॉसिबल हुआ, उससे पॉसिबल ये हुआ एलोकेशन के बाद ना, ये है आपकी नेक्स्ट शीट। क्या शीट हुई, देखो ये वेल्थ क्रिएट हो रही है इस शीट की वजह से। आप बोल रहे हो कि मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ ये पैसा जो मैंने 6 अकाउंट में रख दिया वो दिखेगा कैसे, कहाँ दिखेगा? सर वो आपकी नेटवर्थ के अंदर दिखेगा। लुक एट द नेटवर्थ ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर इंडिविजुअल, ऑफ योर इंडिविजुअल। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर वन ऑफ द आइटम है कैश एंड लिक्विड एसेट। जो 6 अकाउंट थे ना, जो 6 अकाउंट आपने खोले हैं, ये रहे नेसेसिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, लॉन्ग टर्म सेफ स्पेंडिंग, एजुकेशन, प्ले अकाउंट, गिव अकाउंट। किसके अंदर क्या पैसा पड़ा हुआ है वो यहाँ नजर आ रहा है। मेरा नेसेसिटी अकाउंट ICICI बैंक के अंदर है, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट SBI के अंदर है,
LTSSVA के अंदर है। अब इसके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है ये हमें कैश एंड लिक्विड एसेट से नजर आ गया। नाउ यू गॉट इट, मैं दोबारा दिखाता हूं। देखो नेटवर्थ की समरी के अंदर होता है ना कैश एंड लिक्विड एसेट कितने हैं आपके पास, कि मेरे पास आज की डेट में कैश एंड लिक्विड एसेट क्या है। जब पहले एलोकेट किया वो पैसा आपके बैंकों में चला गया, अब आपको बैंकों का बैलेंस देखना है। ये 100 रुपए का आपका बैंकों का बैलेंस है, इसका ब्रेकअप क्या है, इसका ब्रेकअप ये रहा कैश एंड लिक्विड एसेट। तो यानी कि आपके हाथ में कैश कितना है, आपकी अलमारी में कैश कितना पड़ा है और बैंकों में कितना कितना पैसा हो गया है 30 अप्रैल को, इसका टोटल यहाँ पर आ गया। तो जो इसका टोटल आ गया वो आपका नेटवर्थ समरी के अंदर आ गया। फिर आपने इस फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में से पैसा इन्वेस्ट किया। अब कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो आगे अपने मार्केटेबल एसेट में या लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर। तो मार्केटेबल एसेट की बात करते हैं। जब मार्केटेबल की बात करेंगे, मान लो 200 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, कहाँ है वो मार्केटेबल, ये रहा मार्केटेबल। तो यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पैसा था वो आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड, निफ्टी, कमोडिटी, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा हुआ है। तो सेविंग में से पैसा ट्रांसफर होके अब मार्केटेबल एसेट में भी तो जा सकता है। लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग का पैसा सिर्फ सेविंग में थोड़ी पड़ा रहेगा, वो भी आप आगे कहीं इन्हीं जगह पर आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो कम से कम एफडी में तो रखोगे। भाई जितना पैसा आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर लिया उनको कहीं ना कहीं आप रखोगे। देखो अब आपने क्या किया, जो पैसा पहले एलोकेट किया उसको रख लिया आपने कैश एंड लिक्विड एसेट के अंदर, यहां से पैसा निकल के ट्रांसफर हो गया मार्केटेबल एसेट के अंदर। उसी तरह से अब थोड़ा पैसा मान लो यहां पर इकट्ठा हो गया मार्केटेबल में, आपने कहा शेयर्स, म्यूचुअल फंड, निफ्टी में पैसा पड़ा हुआ है और एक प्रॉपर्टी की डील आ रही है, प्रॉपर्टी की डील आ रही है, चलो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जहां से रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या कर दोगे आप उसको लॉन्ग टर्म एसेट में कर दोगे। तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली या आपने लैंड परचेज कर लिया, कोई प्लॉट परचेज कर लिया, कोई पेटेंट कॉपीराइट ले लिया बाहर की कंपनी का अपने ही बिजनेस के अंदर कैपिटल को, और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका बिजनेस भी वॉरेन बफेट हो आप, और अपने बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो कि कितनी कैपिटल के अंदर बढ़ रही है, प्रोवाइडेड कि आपका बिजनेस ज्यादा रिटर्न दे रहा है एज कंपेयर टू दी अदर ऑप्शन अवेलेबल। हालांकि मेरी इसके अंदर राय ये रहती है कि ये लॉन्ग टर्म एसेट है तो बिजनेस में उतनी ही कैपिटल लगाओगे जितनी रिक्वायर्ड है। ओके, आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के बिजनेस के अंदर भी कर सकते हैं। दैट मीन टू से कि जो भी पैसा आपने एलोकेट किया वो आपकी नेटवर्थ की समरी के अंदर आ गया। नाउ यू आर गेटिंग इट, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर आ गया। अच्छा, जो आप कई बार ऐसा भी तो होता है कि अपने सेविंग अकाउंट में से खर्चा करके आप अपने पर्सनल एसेट भी क्रिएट करते हो। अब पर्सनल एसेट में क्या हो सकता है, पर्सनल एसेट के अंदर आपने चलो कार ले ली अपनी वाली, बिजनेस वाली नहीं, अपनी मान लो घर के लिए एक और कार ली हुई है, ज्वेलरी है, पेंटिंग है एमएफ हुसैन की, वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। तो दैट मीन टू से कि अब आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो पैसा मैं एक बार निकाल कर अपने लिए लेकर आया, चाहे वो 10,000 महीना है तो 5,500 रुपए नेसेसिटी में चला गया, बाकी मेरा इन्हीं जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, और जब जब खर्चते चले जाएंगे आउट होता चला जाएगा। तो ये टोटल एसेट हो गया आपके 7 करोड़ की। चलो जो लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अगर उसको माइनस करेंगे तो 1 करोड़ की लाइबिलिटी होगी, तो नेटवर्थ आपकी आ गई 6 करोड़ की। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपनी एसेट की। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले जो पैसा हमारे पास आया उसको एलोकेट किया फॉर्मूला के साथ में, जो मैंने आपको दिखाया कि जो पैसे आए इसको वीकली कर लो चाहे मंथली कर लो, उनको 6 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और 6 अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उसकी आगे जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको आगे इन्वेस्टमेंट करके क्या क्रिएट हुआ आपका, नेटवर्थ क्रिएट हुई। नेटवर्थ, यस दिस वन, नेटवर्थ क्रिएट हुई आपकी। और नेटवर्थ के अंदर अब आपको ना हर महीने अपनी नेटवर्थ की स्टेटमेंट देखती रहनी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितना बढ़ रहा हूँ। अच्छा, भवानी प्रसाद जी ने कहा कि शुड हस्बैंड एंड वाइफ ईच हैव 6 अकाउंट। देखो अब आपकी ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ जैसा हमारा इंडियन फैमिली का सिस्टम है उसके अंदर ना हम दोनों इक्को मिक्को ही होते हैं, जैसे जसमीत सिंह ने कहा, तो आप उस केस के अंदर दोनों की इनकम को क्लब कर दो। मान लो आपकी वाइफ भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग हो, आप ज्यादा कमाते हो कम कमाते हो हार्डली मैटर, वाइफ ज्यादा कमाती है कम कमाती है हार्डली मैटर, वाइफ हाउस वाइफ है घर को संभालती है, वेरी गुड, होम मेकर है वो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने जो पैसे इकट्ठे किए, वाइफ ने जो इकट्ठे किए उसको मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद आप 6 अकाउंट ज्वाइंट नेम पे रख सकते हो। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो आपका प्ले अकाउंट होता है ना, प्ले अकाउंट जब आप ज्वाइंटली वाइफ के साथ में काम करते हो, तो इस बात को ना ये ध्यान रखना प्ले अकाउंट के अंदर, प्ले अकाउंट के अंदर ये आपने ध्यान रखना है कि ना प्ले अकाउंट में जो पैसा है ना, जो आपने वाइफ को दे दिया कि खर्चो, किट्टी में डालो, साड़ियां खरीदो, जो मर्जी खरीदो, उसके ऊपर में कोई क्वेश्चन नहीं आस्क करना। प्ले अकाउंट के ऊपर हस्बैंड वाइफ से नहीं पूछ सकता कहां गया, वाइफ हस्बैंड से नहीं पूछ सकती कहां गया, तो एक दूसरे से पूछना नहीं है। तो आंसर टू योर क्वेश्चन भवानी प्रसाद जी, कि आप इसको बड़े इजी तरीके से कर सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट खोल के 12 की जगह 6 अकाउंट से भी आपका काम चल जाएगा। देखो 5 AM सेशन में क्या हो रहा है कि आपके क्वेश्चन ना साथ के साथ आंसर होते चले जा रहे हैं, और जो अब इसकी वीडियो को भी देखेंगे, क्योंकि मैं जेएससी ऑनलाइन के ऊपर इस वीडियो को डालूंगा, तो उनको भी 6 जार अकाउंट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्या है कि हरसिमरन जी ने कहा सर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कौन से अकाउंट से करनी है। देखो मैंने क्या कहा हरसिमरन जी, मेरे दिल से पूछो ना, क्रेडिट कार्ड तो आपको पर्सनली रखना ही नहीं चाहिए है हरसिमरन जी, क्रेडिट कार्ड पर्सनली तो रखना ही नहीं चाहिए। चलो रख लो, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड मैं ये नहीं कह रहा मत रखो, रखो रखो क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है ना आप मोस्टली इस्तेमाल किया करो अपनी कंपनी के खर्चे करने के लिए, ताकि कंपनी में भी खर्चा बुक हो जाए ना, इनकम टैक्स का बेनिफिट हो जाए। मान लो आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, आपने जो है बिजनेस प्रमोशन के लिए खर्चे किए, जो इम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गिफ्टें ली, जो कुछ भी खर्चा किया, वो क्या होगा कि वो कंपनी में से टक 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 क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सारी कंपनी से होगी। अच्छा कई बार क्या होता है, हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड में से पर्सनल खर्चा भी हो जाए, कोई बात नहीं, कंपनी में आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी ना। कुछ टेक्निकल लोग भी हैं वो समझ रहे हैं कि अगर कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पर्सनल का खर्चा हो गया तो वो आपकी सैलरी या इंटरेस्ट या रेंटल से एडजस्ट हो सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो कंपनी में यूज करो, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे हमारे कई मेरे जानकार हैं तो वो ले लेते हैं कंपनी के नाम से या डायरेक्टर के नाम से, तो आपने एलोकेट कर दिया। अगर वो आपके पर्सनल नाम से भी वो क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड को एलोकेट कर दो कंपनी के लिए। सुशांत जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखो हरसिमरन जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर को कार्ड नहीं मिलता, आई हैव ट्राइड फॉर दैट, ना ना आपके नाम पे जो कार्ड मिला है ना, अपने कार्ड को कंपनी के लिए अपने दिमाग में लाइन खींच दो कि ये कार्ड मेरी कंपनी का है और इस कार्ड पे से खर्चे मैं कंपनी के लिए करूंगा। कार्ड आपके नाम पर ही होगा, उस पर लिखा होगा हरसिमरन सिंह, मिला आपके क्रेडेंशियल के ऊपर ही, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड यूज होगा कंपनी के लिए। सुशांत पाटी जी ने कहा कैन वी क्लेम कंपनीज एक्सपेंस फ्रॉम पर्सनल क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप फॉर्म। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो पार्टनर है ना उसका जो एक क्रेडिट कार्ड है उसको वो एलोकेट ही कर देगा कंपनी के खर्चे करने के लिए सुशांत पाटिया जी, क्योंकि जब भी वो खर्चा करेगा, जो बिल बनवाएगा, पेमेंट क्रेडिट कार्ड के, अरे क्रेडिट कार्ड तो एक पेमेंट करने का माध्यम है, कैश से दे दो, चेक से दे दो, कार्ड से दे दो, बिल और एक्सपेंस कंपनी का होना चाहिए अंडर सेक्शन 37(1). थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं, वापसी आओ। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर उसको अपने क्रेडिट कार्ड से एज ए इंटरेस्ट अकाउंट पे कर सकता है और कंपनी से रिइंबर्समेंट ले सकता है, या डायरेक्टली कंपनी उसके क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर सकती है। मैं डायरेक्टली इसलिए करवाता हूं क्योंकि 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 वो डेडिकेटली हमने कर रखा है वो कार्ड कंपनी के लिए तो मजा आ जाएगा। दो क्रेडिट कार्ड रख लो, एक जिसको बिल्कुल पर्सनली अपने लिए इस्तेमाल करोगे, दूसरा कंपनी के लिए डेडिकेट कर दिया ताकि वहां पर खर्चा भी आपको मिल सके। बाकी मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है नेसेसिटी वाला, उसका डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सुनील जी ने कहा कि बैंक ना कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मेरे बहुत क्लाइंट यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में डिपॉजिट, बिल्कुल जी बिल्कुल। पवन जी ने कहा व्हाट शुड बी द रियल परसेंटेज ऑफ कंपनी इनकम वी शुड टेक एज पर्सनल इनकम सो दैट बिजनेस ग्रोथ डज नॉट अफेक्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तालियां पवन वधवा जी आपके लिए, अमेजिंग क्वेश्चन। देखो जब मैं फाइनेंशियल समरी करवाता हूँ, कैश रिजर्व क्रिएट करवाता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी का आया सारे खर्चे खुर्चे काट के 5% का, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट 5% का है, तो 5% का आधा कितना हुआ, 2.5%, 2.5%। तो पवन जी जितनी आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज है ना, प्रॉफिट की परसेंटेज देख लो आज तक की एवरेज या लास्ट ईयर की, उसका आधा आप उठा के ट्रांसफर किया करो, बन गया ना मैकेनिज्म।
ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया। अगर आपकी कंपनी जिस भी टर्नओवर पे, जिस भी प्रॉफिट पे काम कर रही है, जब भी आप मनी मैनेजमेंट का सिस्टम परसेंटेज पे बनाते हो तो वो हमेशा काम करता है। जब अमाउंट पे बनाते हो ना तो दिमाग रोकता है, यार 10 लाख ट्रांसफर करूं क्या, 2 लाख करूं क्या, 50,000 करूं क्या, नहीं परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज है, जितना आपकी कंपनी, मेरी एक क्लाइंट है जो कि ट्रेडिंग करता है, उसका नेट प्रॉफिट 0.5% का है, तो वो 0.25% ट्रांसफर करता है अपने उस अकाउंट के अंदर, टर्नओवर उसने बहुत अच्छी कर ली है। जैसे सर्विसेज के अंदर 35% से ज्यादा का प्रॉफिट होता है, जैसे मैं तो 35% निकाल लेता हूँ, 35% ऑफ द अमाउंट। जैसे हमारा प्रॉफिट जितना भी हुआ, सर्विस के केस में ज्यादा दिखता है परसेंटेज में, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है, तो नेट प्रॉफिट का आधा, नेट प्रॉफिट का आधा आप निकालना शुरू करो। लेकिन अगर आपकी कंपनी में ODCC चल रही है तो आपको अपनी कंपनी में दो 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 ओडी अकाउंट क्रिएट करने हैं। एक ओडी अकाउंट का नाम होगा कैश रिजर्व अकाउंट, दूसरे ODCC का नाम होगा नॉर्मल इनफ्लो अकाउंट। तो वो पैसा निकालना नहीं है जब तक कि हम आपको डेब्ट फ्री नहीं कर देते। वहां से उतना ही निकलेगा, कितना, आपकी सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। यस यू गॉट इट, नीरव जी ने कहा, actually you get 3.33% cashback with credit card, so it is really worth if a company, if it is simply follow discipline, one can reduce the limit and to paid by necessity account, not possible in LTD company, limited company। देखो ऐसा है, लिमिटेड कंपनी के अंदर भी क्या हो रहा है, जैसे मेरे एक पार्टिसिपेंट है, उनके केस में कंपनी ने के नाम से ही एक क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है जिसको एक डायरेक्टर यूज कर रहे हैं, और कंपनी के जब खर्चे वहां से होते हैं तो उसको उसका कैशबैक, फ्री एयर टिकट और बहुत सारे क्रेडिट के पॉइंट मिलते रहते हैं। बाकी नीरज जी, अगर आपके लिए ये चीज वर्क करती है, विच इज वेल एंड गुड, डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो मेंटेन करो ना डिसिप्लिन। जनरली मैंने देखा है कि पर्सनल के अंदर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता। नो, इट इज अबाउट गेटिंग 50% नेट प्रॉफिट। ओके ओके, राइट, गॉट इट, यस। अब वो परसेंटेज आपकी 50% ऑफ नेट प्रॉफिट हो सकती है, 10% नेट प्रॉफिट हो सकती है, विच एवर वर्क्स फॉर यू। जो मेरा कैश रिजर्व वाला वीडियो है ना, वो भी देखना, या 1-to-1 करेंगे उसके लिए, कि मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी में से कितना कैश रिजर्व निकालू, कि कंपनी में ही रखू, ये एक डिसीजन है, वो एक डिसीजन है, वो कंपनी वाली डिसीजन है, राइट। तो ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम विच अकाउंट आप पे करोगे, देखो इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो, इंश्योरेंस एक होती है जिसके अंदर पैसा वापसी भी मिलना होता है, तो बेसिकली इंश्योरेंस आपकी या तो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है जो आप लाइफ इंश्योरेंस को पे कर रहे हो, या वो LTSS है। अगर वो इंश्योरेंस कार की इंश्योरेंस है, मेडिकल की इंश्योरेंस है, वो तो नेसेसिटी है, मेडिकल और कार की इंश्योरेंस आपकी नेसेसिटी है। Will not be considered as deemed dividend। नीरज जी, हमें प्लानिंग करनी होगी कि कंपनी में से पैसा निकलेगा कैसे, वो कितना निकलेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्टर सैलरी एंड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस तरह से वो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा हर महीने के एंड में, जो एंट्री आपकी बुक्स अकाउंट में पास होती है, डायरेक्टर सैलरी अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर सैलरी पेबल, रेंट डेबिट टू रेंट टू डायरेक्टर पेबल, तो वो हर महीने वो ट्रांजेक्शन खड़ी होगी, टू दैट एक्सटेंट आपको पैसा मिलता चला जाएगा, बाकी पैसा कंपनी के अंदर ही रहेगा ताकि डीम्ड डिविडेंड ना रहे। और कितना पैसा किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सारे उसके मेथड हैं। आजकल तो बायबैक का भी ऑप्शन होता है, अगर पुराना रिजर्व आपका खड़ा है तो 25% तक का आप शेयर्स बायबैक कर सकते हैं कंपनी पे, उसके ऊपर 30% नहीं 20% का टैक्स लगता है। वो सारे के सारे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट 1-to-1 मैं आपको टैक्स प्लानिंग के तरीके बता सकता हूं। बट अंडरस्टैंड वन पॉइंट, देखो मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं CA की, ओके, तो इस तरह के हजारों लाखों केस मेरे सामने आए हैं। तो एक पार्ट हो गया टैक्स प्लानिंग का, एक हो गया डिसिप्लिन का। तो आज हमने क्या पॉइंट पकड़ा, डिसिप्लिन का। तो जितना एब्सोल्युटली नेसेसरी के हिसाब से आपने एक बार डिसिप्लिन प्लग इन कर दिया ना, सिस्टम काम करता है। माय डियर फ्रेंड, आप ना नोट कर लो क्या काम करता है जिंदगी के अंदर, सिस्टम काम करता है। सूरज देवता को कमांड दे दी, यानी कि सन को एक कमांड दे दी कि सन राइज इन द ईस्ट। हालांकि सन तो वही रहता है, पृथ्वी से घूमती है, बट हमें लगता है कि सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो ये डेली की प्रक्रिया है, अपने आप हो रही है, अपने आप जा रही है। अगर हमारा बस चले ना कि अगर आप बटन दबाओगे मोटर चलेगी, टंकी में पानी भरेगा, तो कई बार हम मोटर चलाना पर भूल जाते हैं, कई बार पानी चढ़ता नहीं है, कई बार पानी आता नहीं है। जब मैन्युअली किसी चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी हैबिट का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैं ये बोलता हूं कि ये 6000 टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टम
उसको एक बार प्लग इन कर दो सिस्टम के अंदर और उसको ओवरव्यू करते रहना है, उसको आपने टाइम टू टाइम ओवरव्यू करते रहना है, देखते रहना है सिस्टम के अंदर अब कितना पैसा मेरा अनयूटिलाइज तो नहीं पड़ा हुआ, कहां पर क्या चीज आ रही है, इसकी टिकलिंग, इसकी अपडेशन आप करते रहोगे। क्योंकि हम चीजों को ना मैनेज कर सकते हैं, हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज और कंट्रोल के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हुआ, आपने एक सिस्टम लगा दिया, एक पार्क है वहां पर ग्रास है, पेड़ पौधे हैं, आपने सिस्टम लगा दिया कि वहां पर जो पौधों को पानी देना है स्प्रिंकलर है, इतने बजे बटन दबाएंगे स्प्रिंकलर चलेंगे सब जगह पानी आ जाएगा, इतने बजे ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाएगी तो पार्क हमेशा हरी भरी रहेगी, नहीं तो कभी कोई पानी देने गया कभी कोई पानी नहीं देने गया। तो ये सारे के सारे यू आर इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट, आप समझ पा रहे हो, आर यू एबल टू रिलेट विद what system I am talking about? If you are able to relate, then please type relate in the chat box, my dear friend. Relate, true, automation, relate, absolutely yes, my dear friend, absolutely yes. आपने ना क्रक्स पकड़ लिया है, जिंदगी में वही चीज काम करेगी जिसके लिए आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, और सिस्टम काम करता है हैबिट से, द पावर ऑफ हैबिट। जैसी आपने हैबिट डेवलप कर ली, आपका क्या काम था, बेसिकली अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास हमेशा 6 अकाउंट्स के अंदर पैसे रहते ही हैं। और एजुकेशन मेरे साथ पता क्या होता है, अरे एजुकेशन अकाउंट के अंदर 12 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, 12 लाख इकट्ठे हो गए, खर्चो 12 लाख रुपए, फिर मैं ढूंढता हूँ कि 12 लाख वाला कोर्स कौन सा है, 2 लाख वाला कोर्स कौन सा है, वो कर दिया, और मैं 2 लाख 12 लाख का कोर्स किया तो और करोड़ों रुपए आ गए। उसके बाद अच्छा, अरे प्ले अकाउंट में इतने पैसे हो गए, अच्छा मैं सोच रहा था वो करना चाहिए, पता ही नहीं लगता कैसे पीछे बढ़ते रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो धीरे 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 उसके अंदर पैसे मुड़े होते हैं। मेरा पूरा का पूरा फोकस किस चीज के ऊपर होता है, मेरा फोकस होता है कि मुझे बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपको, मैं आपको बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीछे से मनी सिस्टम ऑटोमेटिकली 6000 वाला काम कर रहा है। अब रोज थोड़ी सोचना है बैठ के, वो तो पीछे मुड़ के देखा तो 6000 के अंदर मनी अवेलेबल है। आपका बिजनेस, मैंने आपको बताया है कि एक व्हीकल है, आपका बिजनेस एक व्हीकल है जिसके थ्रू आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस जो है ना सिर्फ पैसा खींचने पे, पैसा कमाने पे, पैसे उसके ऊपर आया पड़ा है, गलत जगह पे फोकस चला गया। बिजनेस लॉस में इसलिए जा रहा है क्योंकि राइट वैल्यू उस राइट पर्सन को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अरे कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो क्या हो गया, आ गया तो आ गया, अपने बिजनेस के तरीकों को बदल दो ना, अपनी लाइन को डाइवर्सिफाई करो, तरीकों को बदलो, ऑफलाइन में थे तो ऑनलाइन में जाओ भाई। अल्टीमेटली गारमेंट को सेल करके, आपने लोहा सरिया सीमेंट बदरपुर सप्लाई करके, टी शर्टें बना के, जिस भी लाइन के अंदर हो, वो क्यों कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे ना कि उससे सामने वाले को फायदा हो, उसकी जिंदगी को, उसको अच्छे कोट मिले, पैंट मिले। अगर आप कोट और पैंट की गारमेंट की ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर आप पाइप्स बना रहे हो तो अच्छा पाइप उसके घरों में जाए ताकि पानी सही तरीके से चढ़े। आप देखो ना, बदले हुए इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आप अपने बिजनेस में ऐसे क्या बदलाव लेके आ सकते हो जिससे कि रियल वैल्यू एडिशन करो, आपका प्रॉफिट तो वैसे ही क्रिएट हो जाएगा बिजनेस के अंदर। सोच बदलो, फाइनेंशियल पोजिशन अपने आप बदल जाएगी। यानी कि the one thing on which we need to focus is the business model, is the business model जो आज की डेट के अंदर हम फॉलो कर रहे हैं, क्या मेरा वो बिजनेस मॉडल राइट है, वो प्रॉफिटेबल है, और बिजनेस मॉडल के अराउंड पे मैंने सिस्टम्स क्रिएट किए हुए हैं सो दैट वो अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। वो जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, अब इधर निकल कर आया तो मैंने उसके लिए क्या लगा दिया, आपके लिए 6000 टेक्नोलॉजी कंप्लीट प्लग इन लग गया। अब क्या करो, शांति से सुबह उठो, मेडिटेशन करो, क्रिएट करो। दिस इज व्हाट द कैश फ्लो मैनेजमेंट का आज का एस्पेक्ट था। देखो मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, सुनो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं। कैश फ्लो मास्टरी ना मेरा पैशन है। तो जब मैंने इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट किया, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल की बुक के अंदर लिख लिया, और मैंने लोगों को ये किताब पढ़ने के लिए दी, और इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं इस किताब को पढ़ के, वो कह रहे मजा आ गया यार, इतने सिंप्लीफाइड तरीके से फाइनेंस को ये बारे में लिखा भी जा सकता है, एंड योर इंकरेजमेंट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू मी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने 20 साल पहले कोर्स कंप्लीट किया था,
और उसको करने के बाद ना फाइनेंस की अंदर की नॉलेज लेने के बाद मैंने 3 मेंटर्स के साथ में काम किया, इनफैक्ट उन्होंने मेरे ऊपर काम किया, रॉबर्ट कियोसाकी एंड टोनी रॉबिन्सन एंड अपने प्यारे टी हार्वेकर। तो उसको देखा कि फाइनेंस लाइफ में काम करता किस तरीके से है, उन प्रिंसिपल को पहले अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों की लाइफ में, क्लाइंट की लाइफ में इंप्लीमेंट किया एंड पीपल आर मेकिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैश फ्लो एंड द मनी इन देयर लाइफ। क्योंकि ना एक घटना घटी, एक मेरा क्लाइंट था वो तकरीबन सुसाइड करने ही वाला था क्योंकि कैश फ्लो की मिसमैनेजमेंट थी, उसके साथ काम किया तो अब ना वो कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है। फिर तो मैंने इसको अपना मिशन ही बना लिया कि मैंने मिशन ऑफ द लाइफ ये बनाया हुआ है कि पहले सिर्फ फोकस था कि चलो ठीक है सीए की प्रैक्टिस कर ली, कंप्लायंस कर ली, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो उसके क्रक्स रियली मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करनी है, अब मैं आपके साथ मिलके सबके साथ सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, 5 AM वर्कशॉप के थ्रू मैं करता हूँ। क्योंकि मेरा मिशन क्या है, I want a mission to educate and enlighten 1 million people by 2021 so that they experience what? Financial freedom with financial control in their company and life. अच्छा 879 business owner के साथ तो मैंने personally काम किया जिनकी turnover 1 करोड़ से 10,000 करोड़ तक range करती है और 15,000 से ज्यादा लोग अभी तक मेरे various workshops के अंदर आ चुके हैं जिनसे मैं बातचीत कर चुका हूँ, उनकी life के अंदर transformation create हो चुकी है। तो कैश फ्लो की मास्टरी करते करते ना लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी पे भी कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा। देखो कैश फ्लो तो बारिश की तरह है, वो पानी बरसेगा तो सबके ऊपर ही बरसता है। डिजायर कार चलाते हुए जो मर्सिडीज का सपना था तो ये कैश फ्लो ने पूरा कर दिया। हाँ सपने पूरे होते हैं भाई, कैश फ्लो की मास्टरी इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो ना आपको सब कुछ देती है, फ्रीडम, वर्क के अंदर फ्रीडम, हेल्थ के अंदर फ्रीडम, आप स्पोर्ट्स पे, ट्रेवल पे, फैमिली के साथ में, स्पिरिचुअल जितनी मर्जी डेवलपमेंट करो, और अगर कैश फ्लो की मनी आती है तो गिव अकाउंट देने से प्लस हाथ से सेवा करने से जो मजा आता है ना उसका क्या कहना। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद दी कैश फ्लो मास्टरी। देखो बिजनेस ओनर किस चीज से डील कर रहे हैं, एक्यूरेट मंथली प्रॉफिट नहीं पता, कैश फ्लो मिसमैनेज है बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है कंपनी के अंदर, कॉन्स्टेंट प्रेशर फील हो रहा है पर्सनल लाइफ के अंदर, लास्ट मिनट पे कंप्लायंसेस हो रही हैं, चेक्स एंड कंट्रोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो कहां फंस गए, कैश फ्लो ट्रैप के अंदर फंस गए। तो मैंने कहा आप ना अपना कैश फ्लो डैशबोर्ड पक्का पक्का बनाओ, इस तरह का डैशबोर्ड जो आपको बताए कि ग्राफ किस तरह से मूव कर रहे हैं, जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है ना वैसे आपके बिजनेस का एक कैश फ्लो का डैशबोर्ड होना चाहिए। देखो ऐसे कोच ना मैं आपको बता सकता हूं कि बल्ला सीधा कैसे पकड़ना है ताकि चौका और छक्का लगे, सचिन तेंदुलकर तो आप ही हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो फिर मिलेनियर बिलेनियर का ये फ्रेमवर्क क्या है, क्या है वो फ्रेमवर्क? देखो फ्रेमवर्क के 4 हिस्से हैं। पहला, आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, वो कैसे होता है, बिजनेस मॉडल के द्वारा, क्या वो सही है? अच्छा आपको देखना है कि बिजनेस मॉडल सही तरीके से काम कर रहा है क्या, तो मेरा कैश फ्लो क्या कहता है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल समरी क्या कहती है, उससे क्या मैं अपना रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ, रिजर्व क्रिएट करना है फ्रॉम द बिजनेस, व्हाट आर द मनी दैट यू आर मेकिंग। अच्छा उस रिजर्व को मैंने आज क्या बात की, कहाँ ट्रांसफर किया आपने, आपने उस रिजर्व को ट्रांसफर किया, यस, जार टेक्नोलॉजी, जिसकी अभी हमने बहुत डिटेल में बात की है। तो ये कैश फ्लो मास्टरी का फ्रेमवर्क है माय डियर फ्रेंड, जिसके अंदर मैंने जार्स के बारे में अभी आपको बता रहा था। तो ये मॉडल आप फॉलो कर रहे हो, मैंने क्या किया, एक जेएसए ऑनलाइन का पोर्टल तैयार किया है जिसके अंदर ये सारी की सारी 20 साल की लेगेसी नॉलेज मैंने उसके अंदर डाल दी है। अब जेएसए ऑनलाइन ना आपकी लाइफ में और बिजनेस के अंदर कैश फ्लो मास्टरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्लिक करेंगे और जेएसए ऑनलाइन पे जाएंगे तो ओपन जेएसए ऑनलाइन के अंदर जो भी लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं वो अपनी रजिस्टर्ड आईडी से जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा जीएसए ऑनलाइन ओपन हो जाता है। इसमें कैश फ्लो मास्टरी के सारे टूल्स मैंने डाल दिए हैं और सबसे बड़ा 90% वेटेज वाला पॉइंट पता क्या है, वो है आस्क योर क्वेश्चन। इस साइट पे जाके जैसे आप आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तो जैसे जीनी को आप आदेश देते हो ना मेरे लिए क्या चाहिए, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप माई क्वेश्चन पे टाइप कर दो, मेरे से 1-to-1 मीटिंग करनी है, यहाँ लिखो 1-to-1 मीटिंग विद जगमोहन सिंह, ये टिकटिंग सिस्टम मेरी कंपनी में चला जाएगा, आपके साथ मेरी मीटिंग अरेंज हो जाएगी। आपका क्वेश्चन है जीएसटी में, टीडीएस में, इनकम टैक्स में क्या होता है, मेरी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई कर देगी। व्हाटएवर द क्वेश्चन coming into your mind will be served from
ask your question. बहुत से लोगों ने जेएससी ऑनलाइन के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है. अच्छा बताना जरा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको कैसा फील हो रहा है जरा चैट बॉक्स में बताओ. और बाकी जिन लोगों ने जेएससी ऑनलाइन के लिए भी सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर ना पांचों के पांचों कैश फ्लो मास्टरी टूल कैसे इंप्लीमेंट होंगे, फाइनेंशियल समरी, एमआईएस फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो मॉडल, नेटवर्क की वीडियो फॉर्मेट, सारा का सारा डाला हुआ है, सारा डाला. आप इसको वीडियो को देखो, इसके फॉर्मेट के देखो, इंप्लीमेंट करो, मेरी टीम से क्वेश्चन पूछो, मेरे से वन टू वन करो, आपका जो भी जिंदगी में सवाल आता है मुझसे पूछो. और जैसे ऑनलाइन की वजह से आपकी जिंदगी के अंदर सारी की सारी फाइनेंस की नॉलेज जो मेरा मिशन है वो डाल देना आपकी जिंदगी के अंदर. और मजे की बात यह है कि जो 5 AM की मास्टर क्लास होती है ना, जैसे लास्ट हुई थी 21 नवंबर को मास्टर लिस्ट एक्टिविटी, वो भी मैंने वीडियोस के अंदर डाल दिया. तो एक बार आपने जेएससी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दिया तो लाइफ हो गई जिंदा लाला. तो आपके जी ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन हैं कैश फ्लो से रिलेटेड वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे. जब तक आपको पर्सनलाइज्ड आंसर नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी में रियल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी. देखो इंप्लीमेंटेशन अपने आप नहीं होती, करनी पड़ती है. आपने अपनी अकाउंट टीम को अलाइन कर दिया जेएससी ऑनलाइन के लिए तो सब चीजें अपने आप इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो क्या करना है, देखो मैंने क्या किया है, एक ऑफर दे रहा हूं, कैश फ्लो मास्टरी अपने बिजनेस में सिर्फ 15,000 प्लस जीएसटी करोगे, एक साल की हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैं इसके अंदर देता हूं. जो लोग अभी रजिस्टर करना चाहते हैं वो इस लिंक पे क्लिक करो, एक बार लिंक पे क्लिक करके देखो तो सही. अच्छा लिंक पे क्लिक करो, आप कहोगे बस यार इससे एक साल की फीस आई है, ओ माय गॉड इतना सा. आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू को ऐड करना है. माय एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उपासना इज ऑलरेडी देयर, उसने आपके साथ में एक लिंक शेयर किया है. अच्छा जब तक आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो और उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो मेरे से वन टू वन करना चाहते हैं कहते हैं चलो यार वन टू वन करते हैं तो आप ना वन टू वन प्रेस कर दो इसके अंदर चैट बॉक्स के अंदर. आप मुझसे 1-to-1 30 मिनट का करना चाहते हो, आपने 5 AM मास्टर क्लास की और आपको लगता है कि चलो एक बार ना जेएससी ऑनलाइन सब्सक्राइब करने से पहले हम एक बार आपसे 1-to-1 कर लेते हैं, तो डाल दो चैट बॉक्स के अंदर 1-to-1 जो मुझसे करना चाहते हैं. और बाकी 6:30 हो गए हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 90 मिनट के अंदर आपके लिए आज एक टॉपिक बताऊंगा. एंड ट्रूली थैंकफुल टू यू, आज थोड़ी सी खांसी की वजह से डिस्टर्बेंस आपको फील हुई होगी, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर दैट. अब सुनिए जरा, इसको भी हम सेट कर लेंगे एक हफ्ते के अंदर, अगले संडे मंडे की अगले सैटरडे को कमाल करने वाले हैं. ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टूडे, यू आर अ ब्रिलियंट पार्टिसिपेंट. तो दिस सेशन इज कंप्लीट फॉर यू. एंड जो लोग अभी भी कोई उनके माइंड में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ लो, और अगर कोई मुझसे 1-to-1 करना चाहता है तो वो जरा चैट बॉक्स के अंदर 1-to-1 टाइप कर दो ताकि मेरी ईए आपके साथ में उसको ऑर्गेनाइज कर देगी. एंड विद दिस कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया आपने, ठीक है. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड यू आर एन अमेजिंग ऑडियंस. तो अभी ना ठंड बढ़ रही है, कोई बात नहीं, 5 बजे फिर दोबारा से मिलेंगे अगले सैटरडे, नया टॉपिक पूरी डिटेल में लेकर आऊंगा विद फुल एनर्जी एक्साइटमेंट फॉर यू टू मेक अ रियल डिफरेंस इन योर लाइफ ऑल टुगेदर. थैंक यू, बाय बाय एवरीवन.